हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुभम पुरोहित आपका ज्योग्राफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ड्रिंस पर मैग्नेट ड्रिंस जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और छठवीं से लेकर बारहवीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं साथ ही साथ अगर आप ई e नोट्स और ई e बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड और राजस्थान बोर्ड इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कक्षा बारहवीं की बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक को पढ़ रहे थे इस बुक का जो पांचवा चैप्टर है नाम है द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है विभिन्न पार्ट्स में ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है और चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था एम और एम सीरीज़ भी हम लोगों ने देख ली थी जिसमें एम में मैंने आपके मैंने आप लोगों के लिए कुछ हिडन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए लेकर आया था उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख लिए होंगे और उनको सॉल्व भी किया होगा साथ ही साथ एम क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखेंगे इस चैप्टर का दरअसल एग्जाम टाइम में ना आप लोगों की डिमांड होती है कि सर ये जो चैप्टर है ना आपने विभिन्न वीडियोस में कंप्लीट किया है अलग अलग पार्ट में ये वीडियो बनी हुई है एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक वीडियो से दूसरी वीडियो में शिफ्ट हो सकें इसलिए सर प्लीज़ हमारे लिए एक वन शॉर्ट रिविज़न वीडियो बना दीजिए तो बस बन बन गई आप लोगों के लिए ये वन शॉट रिवीजन वीडियो आप लोगों की डिमांड फुलफिल करना मैग्नेट ड्रेन का कर्तव्य है और मैग्नेट्स आप लोगों के लिए हर चैप्टर में लेकर आता है वन शॉट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जिसमें हम लोग द्वितीय क्रियाएं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने प्राथमिक गतिविधियों यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखा था जिसमें मैंने प्राथमिक गतिविधियों या क्रियाओं की परिभाषा आप लोगों को बताई थी और याद करने के उद्देश्य से मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई प्राथमिक गतिविधियों को आप कैसे आ, अंतर पहचानेंगे कि यह प्राथमिक गतिविधि है द्वितीय है ये तृतीय है भाई प्राथमिक यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ सीधे तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें पर्यावरण का यूज़ हो रहा है पर्यावरणीय संसाधनों का यूज़ हो रहा है उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप इंसानों द्वारा उस प्रोडक्ट में नहीं किया जा रहा है हमें जो चीज़ मिल रही है वो सीधे तौर पर, पर पर्यावरण से मिल रही है कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मछली पकड़ता है कोई व्यक्ति तो मछली पकड़ने के लिए उसे जाना पड़ता है समुद्र में नदी में झील में कहीं भी और डायरेक्ट जो है पर्यावरणीय रिसोर्सेज से संसाधनों से वो व्यक्ति मछलियों को पकड़ लेता है इसी तरीके से माइनिंग यानी खनन की जमीन खोदी और उसके अंदर से हमें मान लीजिए बॉक्साइट मिला उसके अंदर से कोयला मिला तो ये भी एक्टिविटी सीधे तौर तो पर पर्यावरणीय एक्टिविटी है मतलब भले ही पर्यावरण के संसाधनों का यूज हो रहा है लेकिन किसी भी तरीके का हस्तक्षेप मानव के द्वारा नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे प्राथमिक गतिविधि बोलेंगे इसी तरीके से जब हम खेती करते हैं तो उसमें भी भूमि जल इनका यूज होता है और हम बीजों को रोपते हैं और प्रकृति हमें गेहूँ चावल जैसे खाद्यान्न उपलब्ध कराती है तो सीधे तौर पर प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक गतिविधि क्या है जिनमें पर्यावरणीय संसाधनों का प्रयोग हो रहा है बस अब अगर आप लोगों को प्राथमिक गतिविधि पता चल गई है तो द्वितीय गतिविधि पहचानने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी द्वितीय गतिविधि यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के बाद आती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने टमाटर उगाए फॉर एग्जाम्पल शुभम सर ने टमाटर की खेती की टमाटर की खेती कर रहे हैं अगर शुभम सर तो यह अपने आप प्राथ में प्राथमिक गतिविधि है लेकिन अगर उस टमाटर से टमेटो कैचअ बन रहा है मान लो टमेटो सॉस बन रहा है तो यह अपने आप में गतिविधि आ जाएगी उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अंतर समझ में आया होगा इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आ, कोई व्यक्ति व्यक्ति जो है खनन कार्य कर रहा है माइनिंग कर रहा है और उसने अयस्क जमीन के नीचे से निकाला लेकिन उस स्टील का अगर कार बनाने में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज कर रही है तो कार मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में सेकेंडरी एक्टिविटी आ जाएगी समझ में आ रहा है ना अंतर यहां पर प्राथमिक जो उत्पाद मिल रहे हैं प्राथमिक गतिविधियों से उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब देख लीजिए हम इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं ताकि आप लोगों को यह समझ में जाए कि द्वितीय गतिविधि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या होती हैं तो सीधे तौर पर आप परिभाषा याद कर पाए ठीक है तो भाई द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम द्वितीय गतिविधियों की बात करें हैं तो द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य कैसे बढ़ जाता है भाई भाई आप टमाटर खरीदते हैं तो टमाटर जनरली आपको मिलेगा मान लीजिए चालीस रुपए किलो चालीस रुपए प्रति किलो मान लीजिए आपका टमाटर है कोई भी दाम हो सकता है चालीस रुपए तीस रुपए बीस रुपए पचास रुपए कुछ भी मान लीजिए टमाटर की कीमत है तो टमाटर की कीमत जितनी होगी क्या उतनी ही कीमत टोमेटो केचप की होगी बताइए नहीं भाई टोमेटो केचप की उतनी कीमत तो नहीं होगी टोमेटो केचप थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में टोमेटो केचप बनाने की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ मेहनत लगी है कुछ ना कुछ कॉस्टिंग लगी है भाई टोमेटो केचप की शीशी ही आई होगी तो अपने आप में ये जो प्राथमिक उत्पाद मिला हुआ है इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जो उत्पाद हमें मिला है मान लीजिए टोमेटो केचप की हमें शीशी मिल गई है बोतल मिल गई है तो ये टोमेटो केचप की जो बोतल या शीशी मिली हुई है ये हो जाएगी अपने आप में सेकेंडरी एक्टिविटी इसमें मूल्य बढ़ गया देख लो भाई टमाटर से मूल्य बढ़ गया है टोमेटो केचप का इसी तरीके से जितने में हमें सेब मिलेंगे एप्पल मिलेंगे क्या उतने ही पैसों में हमें जैम मिलेगा वो जैम 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 बट जो जो हम लोग ब्रेड पर पर लगाते हैं उस जैम की बात कर रहा हूं। नहीं भाई महंगा मिलेगा क्योंकि यहां पर भी प्राथमिक उत्पाद है उनमें परिवर्तन किया गया है तो जब द्वितीय गतिविधियां आती है ना तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है भाई गेहूं की कीमत कुछ और होगी ब्रेड की कीमत कुछ और होगी भले ही गेहूं से ब्रेड बन रहा हो ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है अगेन वही एग्जाम्पल कि प्रकृति में पाए जाने वाले मान लीजिए टमाटर जो है प्रकृति से हमने लिया है उसका रूप बदल दिया है क्या बना दिया है टोमेटो कैचअप बना दिया है तो टोमेटो कैचअप अपने आप में एक मूल्यवान चीज बन गई है ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर हम उदाहरण की बात करें तो कपास का सीमित तो उपयोग है परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है भाई कपास रुई उसकी वैल्यू कुछ और होगी भाई दस पंद्रह रुपए में आप लोगों को अच्छी खासी रुई मिल जाएगी क्या दस पंद्रह रुपए में आपको धागे के बहुत सारे गट्ठे मिल सकते हैं क्या या शर्ट मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती तो यहां पर कपास का एक सीमित तो उपयोग है कपास का सीमित तो उपयोग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर लेंगे कि उसकी बत्ती बना लेंगे और दिया वगैरह में लगा सकते हैं कपास को रुई को और दो तीन उपयोग है गद्दे वगैरह में रख लिए लेकिन अगर उसको धागे में परिवर्तित कर लिया जाए तो उसका यूज भी बढ़ जाता है प्रयोग भी बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है आप ये मत बोलिएगा सर धागे की गिट्टी तो दो या तीन रुपए की आ जाती है अरे भाई दो या तीन रुपए की आ रही है लेकिन उसमें कपास तो बहुत ही कम यूज हुआ है ना आप उतने कपास की अगर धागे गिट्टी लेंगे तो ऑब्वियसली वो महंगी ही आएगी तो कपास का सीमित तो उपयोग है परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है क्या बनाने में किया जाता है वस्त्र बनाने में किया जाता है तो एक शर्ट में जितनी कपास लगी है ठीक है एक शर्ट में जितनी कपास लगी है और दोनों की आप कीमत देखेंगे तो पता चलेगा कि कपास तो बहुत सस्ता था लेकिन जैसे ही उसे शर्ट में परिवर्तित किया गया शर्ट की कीमत बहुत महंगी हो गई भाई कपास रुई तो वही है लेकिन शर्ट तो भाई पांच सौ रुपए तीन सौ रुपये से स्टार्ट होकर 5000 हजार दस हजार तक भी जाते हैं ठीक है तो यहां पर मूल्य क्या है बढ़ गया है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह अंतर समझ में आ गया होगा खदानों से प्राप्त लोह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते भाई खदान से जो लोहा अयस्क हमें मिलते हैं हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट से जो भी मिलते हैं क्या हम उनका प्रत्यक्ष यूज कर सकते हैं नहीं परंतु अयस्क से इस्पात या स्टील बनने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और उसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें और औजार बनाने में होता है कई प्रकार की मशीनें भाई विभिन्न मशीनें तो किससे बनती है लोहे से ही बनती है उसकी कीमत कुछ और होती है उस स्टील का अगर कार में यूज़ हो जाएगा तो कार और ज़्यादा महंगी हो जाएगी उससे अगर कोई औजार इक्विपमेंट्स वगैरह बनेंगे तो वो भी बहुत महंगे होंगे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राथमिक गतिविधियों से जो उत्पाद मिलते हैं वो द्वितीयक गतिविधियों से मिलने वाले बनने वाले उत्पादों की अपेक्षा सस्ते होते हैं द्वितीय गतिविधियों में उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है क्यों क्योंकि उनका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है याद आप लोगों को क्या रखना है याद रखना है टमाटर वाला एग्जाम्पल इससे आप भूलेंगे नहीं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो में फटाफट आप लोग जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं खेतों वनों खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। भाई टमाटर का लोह एस का एग्जाम्पल एक ही दो दो एग्जाम्पल बताए हैं मैंने लेकिन अगर हम खेतों से कोई उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं वनों से कोई उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं खदान खदानों से समुद्रों से कोई भी उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं हर एक उत्पाद के विषय में यही बात सत्य है कि रूप परिवर्तित होने के बाद उसका जो मूल्य है बढ़ जाता है इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित होती हैं ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आप लोगों को ये लाइन को आईएमपी नोट कर लेना है क्यों क्योंकि आप लोगों से द्वितीय गतिविधि की परिभाषा जब भी पूछेंगे तो उदाहरण नहीं भी पूछा गया सपोज तो उदाहरण आपको ऐड करना है याद रखिए उदाहरण ऐड करना आपकी जिम्मेदारी है भाई एग्जामिनर को आपको देना पड़ेगा कि भैया ये ले मेरे पास तो बहुत ज्यादा ज्ञान है थोड़ा सा ले ले अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि नहीं परिभाषा ही परिभाषा पूछिए मैं तो सिर्फ परिभाषा दे दूँगा नंबर मिल जाएंगे क्योंकि दूसरा जो बच्चा है जो आपसे प्रतिस्पर्धा में है वो तो एग्ज़ाम्पल लिखेगा और फिर जब दो कॉपियाँ में कंपेरिजन होता है तो पता चलता है कि भाई उस लड़के ने तो एग्जाम्पल भी ऐड किया है आपको नंबर नहीं मिलेंगे या फिर कम मिलेंगे ठीक है तो जब भी द्वितीय गतिविधियों के बारे में पूछा जाए परिभाषा भी लिखनी है उदाहरण भी लिखना है हो सकता है उदाहरण सहित भी पूछ लिया जाए लेकिन नहीं भी पूछा गया तब भी उदाहरण ऐड करना बहुत जरूरी है और उदाहरण क्या है भाई उदाहरण है विनिर्माण क्या है विनिर्माण विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग और निर्माण और निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिंग ये है मैन्युफैक्चरिंग यह है कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर करना और कंस्ट्रक्शन करना कंस्ट्रक्शन करने में अंतर होता है निर्माण और विनिर्माण में अंतर होता है लेकिन उदाहरण आप देख लीजिए द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण है विनिर्माण प्रसंस्करण और निर्माण और यहां पर लिखा है अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग से संबंधित अब आप पूछेंगे कि सर निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है जनरली जो चैप्टर है ना आपका ये वाला जो दिया गया है इसमें आप लोगों को विनिर्माण से संबंधित ही बातें जो है बताई गई हैं लेकिन आप लोगों को अंतर समझ में आना चाहिए कि निर्माण और विनिर्माण में अंतर होता है इस अंतर को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप आपके आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप मान लीजिए मोबाइल में देख रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है मोबाइल में या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे उसके पीछे जाइएगा एक चिट लगी होगी जिसमें लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय या मैनुफैक्चर्ड इन कहीं पर ये प्रोडक्ट बना होगा या किसी ने बनाया होगा लेकिन शब्द लगा होगा मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन शब्द नहीं लगा होगा अब दूसरा उदाहरण क्या है जब भी आप सड़क से जाते हैं मान लीजिए कोई फ्लाईओवर वहाँ पर बन रहा होता है तो वहाँ पर लिखा होता है कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आप लोगों ने लेमन लैंग्वेज में यूज किया होगा कंस्ट्रक्शन शब्द जो है वो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग शब्द हम लोग यूज नहीं करते कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर होता है कुल मिलाकर अगर ये अंतर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो कंस्ट्रक्शन में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है परमानेंट एसेट का निर्माण होता है स्थाई परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं भाई फ्लाईओवर हो गया ब्रिजेज हो गया या रोड वगैरह हो गए और यहाँ पर ये जो चीजें बनती हैं ना चाहे वो फ्लाईओवर हो ब्रिजेज हों या रोड हों इनको यूज करने के लिए आपको उसी स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर ये वस्तुएं ये चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे अगर फ्लाईओवर का यूज करना है तो फ्लाईओवर के पास जाना पड़ेगा ना भाई कि फ्लाईओवर उड़ आपके पास आ जाएगा है ना जैसे आपको अटल टनल का यूज करना है मान लीजिए अटल सुरंग में आप लोगों को जाना है तो अटल सुरंग के पास जाना पड़ेगा अटल सुरंग चलकर नहीं आएगी तो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि निर्माण में स्थायी परिसंपत्तियों परमानेंट एसेट का निर्माण होता है इनका यूज करने के लिए आपको उसी पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहां इनका निर्माण हुआ ठीक है अब इसकी तुलना करिए मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण से विनिर्माण में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना वो डिसेंट्रलाइज लेवल पर यूज़ होते हैं इज यानी विकेंद्रीकृत स्तर पर यूज होते हैं इसका मतलब क्या हुआ पता है जैसे मान लीजिए मोबाइल बना या साबुन बनी सोप बनी तो इनका यूज अगर आपको करना है तो ऐसा नहीं है कि साबुन कंपनी जहां पर बनी है वहीं जा रहे हैं वहीं नहा कर आ रहे हैं ऐसा होता है क्या नहीं भाई ऐसा नहीं होता साबुन बनने के बाद आप किराने की दुकान से साबुन खरीदते हैं और अपने घर पर लाते हैं घर पर नहाते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसे आप डिसेंट्रलाइज लेवल पर स्तर पर यूज कर रहे हैं और यहां पर स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता तो यह अंतर होता है कुछ निर्माण में और विनिर्माण में हालांकि इस चैप्टर में जो प्राइम फोकस किया गया है वो विनिर्माण गतिविधियों पर किया गया है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चलिए अब विनिर्माण के बारे में हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं तो आइए विनिर्माण में क्या लिखा हुआ है समझ लेते हैं विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है हस्तशिल्प कार्य से लेकर का लोहे व इस्पात को गढ़ना प्लास्टिक के खिलौने बनाना कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना अंतरिक्ष या निर्माण आदि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही रखा जाता है अच्छा एक चीज और याद रखनी कि इस चैप्टर में निर्माण और विनिर्माण में अंतर नहीं बताया गया है अंतर मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बता दिया है ताकि कोई पूछ ले तो कम से कम पता होना चाहिए यहां पर कई जगह निर्माण शब्द को यूज किया है लेकिन वहां पर आप लोगों को विनिर्माण ही समझना है एनसीआरटी में निर्माण को विनिर्माण ही लिखा गया जैसे देख लीजिए यहां पर विनिर्माण हेडिंग है लेकिन चैप्टर में अंदर

विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जैसे शक्ति का प्रयोग एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जो है बात यहां पर लिखी गई है कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की विशेषताएं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो आप लोग लिखेंगे कि कुछ सामान्य विशेषताएं होती है विनिर्माण की जैसे शक्ति का प्रयोग भाई सुई बना रहे हो चाहे हवाई जहाज बना रहे हो मोबाइल बना रहे हो या सोप यानी साबुन बना रहे हो हर चीज बनाने में आप लोगों को विद्युत यानी शक्ति की आवश्यकता होगी ठीक है बिजली तो लगेगी ना तो बिजली की जरूरत होगी शक्ति का उपयोग होगा एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन होगा जैसे जब कोई साबुन कंपनी होती है ना तो पता चलेगा कि वो साबुन ही साबुन बना रही है क्योंकि इसका एक फ़ायदा होता है कि जब एक ही प्रोडक्ट बार 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 बड़ी संख्या में बनाया जाता है तो उसकी लागत जो होती है वो कम आती है और कंपनी को मुनाफा तो कमाना ही होता है एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर जो श्रमिक काम करते हैं उनमें स्किल्स होती हैं कुशलता होती है कि वो उस प्रोडक्ट को उत्पादित कर सकें तो विनिर्माण की क्या विशेषता हो गई कि भैया इसमें बिजली लगती है शक्ति का प्रयोग होता है दूसरी विशेषता होती है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और यहां पर एक ही तरीके की जो वस्तु होती है ना उसका बल्क में उत्पादन किया जाता है उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा पुराने साधनों द्वारा किया जाता है भाई विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बड़ी बड़ी हाईफाई मशीनें होनी चाहिए विनिर्माण तो बहुत पुरानी मशीनों से या हाथ से भी किया जा सकता है भाई आज से अगर हम 100-200 साल पहले की बात करें तो बिजली तो इतनी थी नहीं मशीनें भी इतनी नहीं थी तो विनिर्माण किससे होता था मैन्युफैक्चरिंग किससे होती थी हाथ से ही होती थी ना तो मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ हाथ का भी प्रयोग किया जा सकता है तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है यहां पर एक शब्द आया है तृतीय विश्व तृतीय विश्व मतलब अब आप सोचेंगे सर विश्व तो एक ही है तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं डेवलप्ड नहीं डेवलप्ड मतलब यूएसए जर्मनी यूरोप ऐसे यूरोप के बहुत से देश ये सब फर्स्ट वर्ल्ड या सेकेंड वर्ल्ड का पार्ट होते हैं अधिकतर लेकिन थर्ड वर्ल्ड का मतलब जो अभी तरक्की की राह पर है जो अभी विकसित नहीं हुए हैं ठीक है भारत जैसे जो देश हैं जो अभी विकसित नहीं हुए विकासशील हैं या अल्प विकसित है मान लीजिए तो वो तृतीय विश्व में आएंगे और तृतीय विश्व की जो कैटेगरी है ना वो बहुत विशाल है इसलिए यहां पर सभी को एक एक आ, जो है खांचे में रखना संभव नहीं है लेकिन फिर भी इन देशों में सभी विन, विन, विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना जो है थोड़ा सा कठिन होता है अगर हम तृतीय विश्व देखें और उसमें सब सभी लोगों को सभी देशों को शामिल कर लें तो ये नाइंसाफी होगी कुछ जो देश हैं उन देशों में विनिर्माण गतिविधियों की बात हो रही ठीक है इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिनमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है तो ये तृतीय विश्व के जो देश है ना अधिकतर गरीब देश या विकासशील देश इन देशों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है कैपिटल लगता है पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं इतना पैसा कहां से आएगा विकसित देशों के पास आ सकता है विकासशील देशों के पास तो नहीं होगा ना तो ऐसे देशों में कम पैसे की आवश्यकता पहली बात तो मतलब कम पैसे होते हैं इन देशों के पास इसीलिए यहां पर विनिर्माण जो गतिविधियां होती हैं तृतीय विश्व के देशों के पास उनमें कम जटिल जो तंत्र है ना उनको यूज किया जाता है और जो अधिकतर विकसित देश है वहां पर जटिल जो तंत्र है उसका यूज प्रयोग जो है वो किया जाता है अब देख लीजिए यहाँ पर एक क्लिप दी गई है आपको एनसीआरटी में उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग इसमें क्या बातें लिखी गई हैं देख लेते हैं विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ से बनाना है फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बना बनाया गया सामान भी सम्मिलित होता है अगर हम विनिर्माण के शाब्दिक अर्थ का प्रयोग करें शाब्दिक मतलब जैसा शब्द है वैसा उसका अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है हाथ से बनाना

जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाज़ार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है अगेन ये परिभाषा हम देख चुके हैं जिसमें कच्चे माल का मूल्य मूल्य जो वर्धन है उसकी कीमत जो है वो बढ़ा दी जा रही है वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा वही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाता है उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यावाची के रूप में देखा जाता है अगर हम आज के समय में बात करें तो उद्योग शब्द इंडस्ट्रीज जो हैं वो पर्यावाची हो गई हैं सिनोनिम हो गई हैं किसकी विनिर्माण अगर आज हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं ना तो उसके साथ एक वर्ड लग ही जाता है इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है ना कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये साबुन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है किसी भी चीज़ की जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो आज के समय में इंडस्ट्री यानी उद्योग और विनिर्माण जो शब्द है इन्हें पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है लेकिन कई गौण क्रियाएं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती जैसे पर्यटन उद्योग मनोरंजन उद्योग अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्द शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों से कोई बोले इस्पात उद्योग रसायन उद्योग कुछ भी इंडस्ट्री शब्द जब भी आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये मिल जाती है कि यार कोई कारखाना होगा वहाँ पर चीजें बन रही होंगी बड़ी बड़ी मशीनें होगी यही दिमाग में आता है ना जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप खुद सोच कर देखिए कि देखिए आपके सामने दिमाग में अगर मैं बोलूँ कि लोह इस्पात उद्योग है स्टील इंडस्ट्री है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि बड़ी बड़ी मशीनें होंगी लोहा को विभिन्न आकार जो है वो दिया जा रहा होगा यही दिमाग में आ रहा है ना दरअसल आज के समय में अगर हम विनिर्माण की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि निर्माण कारखानों में ही हो रहा हो निर्माण अगर कारखानों में नहीं होता तब भी वो विनिर्माण का ही पार्ट होता है जैसे कि अगर हम पर्यटन उद्योग की बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें मनोरंजन उद्योग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी विनिर्माण का ही पार्ट होते हैं इसलिए आज के समय में उद्योग शब्द यूज़ नहीं होता इसलिए आज के समय में कौन सा शब्द यूज़, यूज़ होता है विनिर्माण और विनिर्माण के साथ उद्योग शब्द भले ही लग जाता है तो विनिर्माण एक अलग चीज होती है और उद्योग एक अलग चीज होती है आप लोगों को विनिर्माण शब्द में उद्योगों को शामिल कर लेना है आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भाई एक वेन डायग्राम है एक बड़ा सर्कल है उस उस बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल है जिसका नाम क्या है छोटे सर्कल का उद्योग क्या नाम है उद्योग और ये जो बड़ा सर्कल है उसका नाम है विनिर्माण तो विनिर्माण एक बड़ी चीज होती है जिसमें सारी चीजें सम्मिलित होती हैं उद्योग भी इसी का पार्ट होता है और उद्योग के आगे अगर पर्यटन लगाओ मनोरंजन लगाओ तो वो सब भी विनिर्माण गतिविधि का ही हिस्सा होते हैं ठीक है बहुत जरूरी नहीं थी हालांकि ये बात लेकिन एनसीआर में दी हुई थी तो मैंने आप लोगों को बता दी अब हम लोगों को जिस टॉपिक को पढ़ना है पूछा जा रहा है कि भाई आधुनिक आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं बताइए आज के समय में अगर मान लीजिए कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है विनिर्माण हो रहा है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं हमें पता होनी चाहिए तो आइए देख लेते हैं वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं ठीक है, है? सबसे पहला होता है कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति स्किल्ड होता है ना तो उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन होता है उस चीज का ऐसा तो नहीं है कि जमीन से घास उखाड़नी है ऐसी ऐसी बात तो है नहीं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जब भी बात होगी तो आपके दिमाग में यही बात होगी यही बात आपको ध्यान में आएगी कि यार यहाँ पर स्किल्ड लेबर की बात हो रही है कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर जो है दिमाग में आ रहा है और स्किल स्किल का मतलब होता है कौशल क्या मतलब होता है इसका कौशल और यहां पर विशिष्टीकरण होता है मतलब उसे उस चीज को बनाने में विशेषता प्राप्त होती है इसी तरीके से उत्पादन की विधियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं जैसे कि शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादन किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है अतः इसकी लागत अधिक आती है अगर हम हाथ से बनाने की किसी प्रोडक्ट की बात करें तो पता चलता है कि हाथ से बनाने के लिए कुछ सीमा हाथ से बनाने की कुछ सीमाएं है होती हैं सीमा मतलब लिमिटेशन है कि हम बहुत कम पहली बात पर तो उत्पादन कर पाएंगे भाई सीधी सी बात है कोई व्यक्ति हाथ से शर्ट बुनेगा या हाथ से शर्ट बनाएगा सिलाई मशीन की सहायता से शर्ट बनाएगा तो उसकी एक लिमिट होती है कि एक दिन में कितनी शर्ट ही बनेंगी लेकिन मशीनों से अगर बनाएगा तो ज़्यादा शर्ट बन जाएंगी इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है मतलब या तो ऑर्डर आएगा तभी बनाएगा अतः इसकी लागत जो होती है वो अधिक आती है जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है और जब कोई व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य बार बार करता है <coughs> कोई व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य बार बार करता है तो उसके अंदर विशिष्टता तो आ ही जाती है स्पेशलाइजेशन तो हो ही जाता है तभी तो बोलते हैं कि भाई ये स्पेशलिस्ट है इस व्यक्ति का इस इस चीज़ का ये डिश का स्पेशलिस्ट मतलब कोई व्यक्ति बार बार कोई चीज बनाएगा तो उसमें विशिष्टता जो है वो आ ही जाती है इसलिए लिखा गया है कि बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान जो अधिक उत्पादन करने वाली चीजों की अगर हम लोग बात करें ना तो इसमें बड़े पैमाने पर ये सामान बनते हैं जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड और ये विशेषता जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो पहली विशेषता क्या होती है कि इसमें जो लेबर होते हैं जो श्रमिक होते हैं उनमें उनके उनके, उनके अंदर विशिष्टीकरण होता है कौशल का विशिष्टीकरण होता है क्योंकि वो बार बार एक ही चीज बनाते हैं तो उनके अंदर एक तरीके की विशेषता डेवलप हो जाती है अपन बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट है साथ ही साथ दूसरी जो विशेषता है वो है यंत्रीकरण मैकेनाइजेशन अच्छा पहला वाला जो अंतर विशिषता सॉरी मैंने बताई ना उसमें कौशल का विशिष्टीकरण होता है साथ में कौशल की उत्पादन की विधियां भी होती है चाहे हाथ से आप प्रोडक्ट बना रहे हो चाहे मशीन से बना रहे हो चाहे कम उत्पादन कर रहे हो चाहे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हो दोनों ही चीज़ें विनिर्माण का ही हिस्सा है विनिर्माण की ही विशेषता है आपको भूलनी नहीं है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये विशे, 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 विशेषता समझ में आ गई होगी दूसरी विशेषता है मैकेनाइजेशन या फिर यंत्रीकरण भाई नाम से ही स्पष्ट है यंत्रीकरण का मतलब क्या होगा मशीन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई हम लोग विनिर्माण की विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो पहली विशेषता हो गई कि भैया यहां पर जो श्रमिक होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होता है दूसरी विशेषता है कि यहां पर विनिर्माण की विशेषता होती है कि इसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है यंत्रों मतलब मैकेनाइजेशन ठीक है तो यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना है स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है आज के समय में तो भैया ऑटोमेशन आ गया स्वचालित उपकरण आ गए मशीनों को हमें इंसान के इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता ही पड़ती है बस और मशीनें अपना काम जो है पूरा फटाफट कंप्लीट कर देती हैं ठीक है थेके? तो बार बार इंसानों को इंस्ट्रक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कई बार तो मशीनें अपने आप काम कर लेती हैं ऐसी मशीनों को हम स्वचालित मशीनें बोलते हैं ऑटोमेटिक है ना और आज के समय में तो एक और नई चीज आ गई है क्या बोलते हैं इसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंसान के दिमाग जैसी काम का, का, काम जैसा काम जो है वो मशीनें कर रही हैं तो विनिर्माण की विशेषता होती है कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है कार्यों को पूर्ण करने के लिए पुनर्वेशन एवं समरथ पाश कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है पूरे विश्व में नज़र आने लगी हैं कुल मिलाकर ऐसा बोला जा रहा है कि आज कल तो कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं किसमें मशीनों में उनमें सोचने समझने की क्षमता भी विकसित हो गई है जिसका जिक्र मैंने अब भी कहा कि ए के नाम से हम लोग जानते हैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई विनिर्माण की विशेषता होती है तो दूसरी जो विशेषता होती है वो है यंत्री अब यंत्र खुद के इंस्ट्रक्शन से काम कर रहे हो खुद से काम कर रहे हो या फिर हमें यंत्रों को काम करवाना पड़ रहा हो बात तो एक बात भले ही दोनों है लेकिन दोनों ही बातों में एक चीज कॉमन है कि दोनों विनिर्माण की विशेषता होती है चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो और चाहे आप हाथ से कोई मशीन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को दूसरा अंतर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं यहां पर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है तीसरी जो विशेषता होती है विनिर्माण की वो होती है प्रौद्योगिकी नवा चार यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसका मतलब क्या हो गया कि प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकास योग युक, विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है कुल मिलाकर विनिर्माण की एक तीसरी विशेषता है वो यह है कि यहां पर इनोवेशन होता है नवाचार होता है भाई हर बार आप चाहे नोटिस करेंगे कि आज आपने एक मोबाइल लिया है दो महीने बाद पता चला कि उस मोबाइल का ही कोई नेक्स्ट वर्जन आ गया आज आपने कोई कार लिया है, उसी कंपनी की जब कोई नई कार जो है वो लॉन्च होगी सेम वेरिएंट आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर आए हमेशा देखा जाता है आज से 20 साल पहले जो स्विफ्ट चल रही थी मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट है मान लो 10 साल पहले स्विफ्ट है वो स्विफ्ट आज के समय की जो स्विफ्ट आ रही है वैसी है क्या नहीं यहाँ पर हर चीज़ क्या हो रही है इनोवेट हो रही है नवाचारी जो है चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं तभी तो कंपनी सर्वाइव करती है तो ये विशेषता है भाई विनिर्माण की कि यहां पर हर चीज़ में इनोवेशन शामिल होता है उम्मीद करता हूं आप लोगों को पिछली पिछली जो विशेषता है समझ में आ गई होगी हम लोगों ने विशेषताएं देखी कितनी पड़ी है पहला मैंने बताया कि यहां पर कुछ कौशलों का विशिष्टीकरण होता है दूसरी विशेषता यहां पर मशीनों का प्रयोग होता है मतलब यंत्रीकरण होता है तीसरी विशेषता यहाँ पर प्रौद्योगिकी नवाचार होता है और चौथी विशेषता यहाँ पर संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण की बात होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन की बात हो रही है क्या बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन इसका मतलब होता है कि भाई आप कोई सी भी कंपनी देख लें उसमें पता चलता है कि एक बॉक्स होता है सीईओ होता है उसके अंदर मान लीजिए कोई एमडी वगैरह होते हैं ठीक है और उनके अंदर मान लीजिए चार चार पांच-पांच लोग होते हैं और उन चार चार पांच-पांच लोगों के अंदर ही बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काम करते हैं आप लोगों ने इस तरीके का ढांचा तो देखा ही होगा कोई भी कंपनी हो कोई भी कंपनी आप देखेंगे कि उसमें एक बॉस होता है सीईओ होता है फिर एमडी होते हैं फिर उसके अंदर कर्मचारी होते हैं सुपरवाइजर होते हैं तो पूरी एक चेन हायर जो है वो बन जाती है ठीक है तो यहां पर कुल मिलाकर एक संगठनात्मक ढांचा है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ ही यहां पर होता है स्तरीकरण मतलब स्टेटिफिकेशन कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है भाई एक बॉस है जो ऊपर बैठा हुआ है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है सब लोग ठीक है फिर इनके अंडर अगर चार पांच 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 लोग आएंगे तो ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे इस व्यक्ति के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस व्यक्ति के लिए तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं इसे बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन भाई कोई भी कंपनी ऐसे ही काम करती है हमेशा कोई भी कंपनी ऐसे ही काम करती है आप कहीं का भी एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो निजी हो या फिर सार्वजनिक हो तो आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं कि यह एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र यंत्र है और यह अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा देखिए यहां पर बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करता है तो भाई विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की विशेषता होती है कि यहाँ पर श्रम विभाजन होता है श्रम विभाजन मतलब हर व्यक्ति का काम बटा होता है कि भाई फलाना व्यक्ति ये काम करेगा ढिकाना व्यक्ति जो है वो ये अला काम करेगा ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सारा काम कर लेगा ऐसा नहीं होता यहाँ पर श्रम विभाजन होता है वो व्यक्ति उस काम को बार बार करता है फिर उसमें विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और ये हर कंपनी की विशिष्टता होती है ठीक है तो यहाँ पर श्रम विभाजन का काम होता है यहाँ पर संगठनात्मक ढांचा होता है स्तरीकरण होता है बड़े पैमाने पर विनिर्माण हेतु अधिक पूंजी बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की आवश्यकता होती है भाई जितना बड़ा विनिर्माण होगा मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें उतनी ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी पैसे लगेंगे उतने ही बड़े ये क्या होंगे संगठन होंगे और साथ ही बड़े प्रशासकीय वर्ग की भी आवश्यकता होगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी आप लोगों को देखना पड़ता है कि यहाँ पर लेयर्स बनी होती हैं कोई भी डिपार्टमेंट हो कोई व्यक्ति सब व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं वहां पर कुछ लेबर्स होते हैं वो अपने सुपरवाइजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सुपरवाइजर उनसे ऊपर का कोई व्यक्ति होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लास्ट में एक बॉस होता है जो पूरी कंपनी का बॉस होता है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट और क्या विशेषता होती है नेक्स्ट विशेषता होती है अन ईवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अन इवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई खेत है ये कोई खेत है और ये जो खेत है ये मान लीजिए ये पचास एकड़ का खेत है और यहाँ पर गेहूँ की खेती मान लीजिए की जा रही है पचास एकड़ का खेत है गेहूँ की खेती की जा रही है अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि मान लीजिए मुझे एक ब्रेड की फैक्ट्री जो है वो खोलनी है खोलना है मुझे ब्रेड की फैक्ट्री जो है वो खोलनी है अब क्या पचास एकड़ में खेत था गेहूं का क्या फैक्ट्री जब मैं खोलूंगा तो पचास एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी क्या नहीं तो उद्योगों के लिए कंपेरेटिवली थोड़ी कम जो होती है जमीन की आवश्यकता होती है अनईवन जो होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहीं पर कोई इंडस्ट्री होती है कहीं पर कोई इंडस्ट्री होती है कहीं पर कोई इंडस्ट्री होती है ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सारी इंडस्ट्रीज जो होंगी वो उपलब्ध होंगी इसलिए लिखा गया है कि आधुनिक निर्माण के, के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं, विश्व के कुल स्थलीय भाग के दस प्रतिशत से कम भूभाग पर इनका विस्तार है अगर हम लोग देखें तो कुल जितना स्थलीय भाग है उसके बहुत कम भाग पर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो कार्य कर रही हैं ठीक है और कुछ ही स्थानों पर सीमित है हम लोगों को पता है कि कुछ एक स्थान है जहाँ पर कार के लिए मान लीजिए फेमस है जैसे बेंगलोर है बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं आईटी सिटी बोलते हैं ठीक है तो कुछ एक जगह होती हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई इंडस्ट्री जो होती है वो संकेंद्रित होती है ठीक है किसी जगह की आप लोग कभी भी नोटिस करेंगे अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं जैसे भोपाल की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मंडीदीप एक जगह है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो काम हो रहा है ठीक है तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक ही जगह संकेंद्रित होती हैं उनका कोई एक ऐसा नहीं होता सेट पैटर्न नहीं होता कि यहीं पर यह इंडस्ट्री लगेगी कहीं भी लग सकती हैं ठीक है थीके? तो अन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहीं पर संकेंद्रण होता है और कहीं पर कैसे भी तरीके से इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा हो सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई कि जिन क्षेत्रों में ये जो उद्योग होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज संकेंद्रित होती है ना तो आप लोग नोटिस करेंगे कि ये जो क्षेत्र हैं वो राजनीतिक शक्ति के केंद्र भी बन गए हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो देश लीड करता है आगे बढ़ता है ऑब्वियसली बात है उस देश की इकॉनमी भी अच्छी उस देश की इकोनॉमी के लिए वो चीज़ अच्छी होती है उस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और ऐसे देश बहुत तेजी से तरक्की की राह पर आगे निकल जाते हैं जैसे कि आज के समय में आप चाइना का एग्जाम्पल देख लीजिए चीन जो है पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग का जो है हब जो है वो बना हुआ है चीन चीन की अगर हम लोग बात करें तो पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज पूरे विश्व में जो हैं वो चीन में संकेंद्रित हो चुकी हैं चाहे आप मोबाइल की देख लीजिए चाहे आप टीवी की देख लीजिए कार कंपनियां बहुत सारी हैं जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो आज पूरे देश में पूरी दुनिया में जो है चीन तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत आगे निकल गया है तो इसलिए आज चीन राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर चुका है सीधे तौर पर टक्कर देने को तैयार है यूएस को यानी अमेरिका को ठीक है तो ऐसे देश जो है वो राजनीतिक शक्ति के केंद्र भी बन गए हैं और साथ ही साथ जो विनिर्माण स्थल हैं ये प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं तथा कृषि की अपेक्षा बहुत कम क्षेत्रों में संकेंद्रित होते हैं कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को बताया कि गेहूं की खेती मान लीजिए जितनी जगह पर होती है क्या उतनी जगह पर इंडस्ट्रीज होती है कोई नहीं उसकी तुलना में इंडस्ट्रीज का जो पोर्शन होता है जितने एरिए को वो कवर करते हैं वो बहुत कम क्षेत्रफल पर संकेंद्रित होते हैं इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कहूं तो आप ये समझिए कि कोई प्राथमिक गतिविधि जितने अधिक क्षेत्र पर की जाती है उससे कम क्षेत्र पर ही द्वितीय गतिविधि की जाती है क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए तो बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है भाई कपास की खेती जितनी एकड़ जमीन पर हो रही होगी शर्ट बनाने के लिए क्या उतनी जगह की जरूरत पड़ रही है शर्ट तो एक छोटी सी बिल्डिंग में भी बन सकते हैं तो यही अंतर होता है प्राथमिक गतिविधियों में और द्वितीय गतिविधियों में उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा विशेषता का नाम क्या था अनियमित भौगोलिक वितरण उदाहरण के तौर पर देखिए राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में जो है बात हो रही है कि उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी के ढाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया चार बड़े फार्म होते हैं जिनमें दस बीस श्रमिक कार्य करते हैं जिनमें पचास से पचास सौ मनुष्यों का भरण पोषण होता है परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है बहुत ज्यादा टिपिकल वर्ड यदि इसके शब्द आप लोगों को लग रहे हैं तो ऐसा समझिए कि अमेरिका में मान लीजिए ढाई वर्ग किलोमीटर का कोई खेत है इस खेत में मान लीजिए चार फार्म बने हैं तो यहां पर ज्यादा जाद से ज्यादा कितने लोग जो है कार्यरत होंगे हर फॉर्म में कितने होंगे दस से बीस श्रमिक जो है वो कार्य कर रहे होंगे और चारों फॉर्म को मिला के कितने लोगों का पेट भर रहा होगा सिर्फ पचास से सौ लोगों का पेट भर रहा होगा ठीक है जिनमें पचास से सौ मनुष्यों का भरण पोषण होता है इतने पूरे फॉर्म में क्योंकि हर फॉर्म में मान लीजिए दस बीस श्रमिक भी कार्य होंगे कार्यरत होंगे तो उनकी फैमिलीज को भी अगर हम काउंट करेंगे सौ से ज्यादा एक सौ बीस सौ सौ से ज़्यादा लोगों का भरण पोषण इतने बड़े खेत में नहीं हो रहा होगा लेकिन आप सोचकर देखिए कि इतनी बड़ी अगर मान लीजिए इंडस्ट्री होगी इतने क्षेत्र में इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री होगी तो क्या उस इंडस्ट्री से सिर्फ सौ पचास लोगों को फायदा हो रहा होगा नहीं भाई परंतु इतने ही क्षेत्रों में अनेकों वृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है इतने क्षेत्रपल में पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है तो बहुत सारे लोगों को इधर रोजगार भी मिल सकता है उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए भाई उत्पाद जो उद्योग होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका प्राइम मोटिव क्या होता है उद्देश्य क्या होता है भाई उनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए तो अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाएगा जब लागत जो होगी अगर हमारा इनपुट जो है वो कम होगा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमारा कम से कम होगा तो लाभ हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा इसीलिए इंडस्ट्रीज जो है कोशिश करती हैं उस स्थान पर लगाई जाए उनकी फैक्ट्री जहां पर उत्पादन लागत जो है वो कम आए कोई जरूरी नहीं है कि रोड पर लगे भाई वो तो किसी रिमोट एरिया में भी इंडस्ट्री लग सकती है क्योंकि वहाँ से सामान जो है अलग अलग जगह जाएगा क्योंकि रिमोट एरिया में इंडस्ट्री लगेगी तो किराया भी क्या होगा कम होगा सस्ते मजदूर भी मिल जाएंगे मेन मार्केट में अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगेगी मेन जगह पर जो लगेगी जो कि जनरली होती भी नहीं है मेन जगह पर अगर कोई इंडस्ट्री लगेगी तो वहां पर होगा क्या वहां पर लागत यानी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी तो ऑब्वियस बात है उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा इंडस्ट्रीज का जो प्राइम मोटिव होता है मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है और अधिक से अधिक मुनाफा तभी कमाया जाएगा जब उत्पादन लागत जो होगी वो कम होगी उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो अंतर आप लोगों ने देखा था कि अनियमित भौगोलिक वितरण ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स या कारक हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगानी है कोई सी इंडस्ट्री सपोज करिए आप अप, अप, खुद का एग्जाम्पल लीजिए कि यदि आपको मान लीजिए एक शर्ट की फैक्ट्री खोलनी है साबुन की फैक्ट्री खोलनी है तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बस उन्हीं सारी बातों को हम लोग को यहां पर डिस्कस कर लेना है उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रही है वीडियो अगर पसंद आ रही है अभी तक जो मैंने समझाया है आप तक पहुंचा है आप लोग उसे समझ पा रहे हैं याद कर पा रहे हैं तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है तो उद्योगों की स्थिति को अगर हम प्रभावित करने वाले कारकों को देखें तो ये निम्नलिखित कारक हैं जो किसी भी जगह किसी भी जगह उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं जैसे कि बाजार तक अभिगम्यता मतलब इंडस्ट्रीज का जो मेन फोकस होता है कि भाई उन्हें प्रोडक्ट बेचने के लिए बाजार की जरूरत होती है मार्केट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे कच्चे माल की प्राप्ति की अभी गम था भाई उनको रॉ मटेरियल जल्दी से मिल जाना चाहिए अगर मुझे शर्ट की इंडस्ट्री खोलनी है तो मुझे तुरंत जो है कपास कहीं से मिल जाना चाहिए कपास ही नहीं मिलेगा तो मैं उसको शर्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई तो कच्चे माल की प्राप्ति अच्छे से हो जानी चाहिए बाजार अच्छे से मिल जाना चाहिए मैं जो शर्ट बनाऊं पता लगे बिक नहीं रहा है तो हमें उसका मार्केट भी कैप्चर करना है ना श्रम आपूर्ति आप तक अभी गम्य था उस शर्ट को बनाने के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी ना तो श्रम की जरूरत होगी लेबर की जरूरत होगी शक्ति के साधनों तक अभी था। भाई बिजली भी चाहिए रहेगी ऐसा नहीं है कि हम हाथ से चीजें बना रहे हैं भाई बिजली की भी जरूरत पड़ती है ना कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभी गम्य था भाई बाजार तक आपको चीजें पहुंचानी है शर्ट पहुंचाना है मान लीजिए तो आप लोगों को किसकी बड़े बड़े ट्रक्स की जरूरत होगी रेलवे की ज़रूरत होगी तो परिवहन के साधन अच्छे होने चाहिए संचार के साधनों की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन करने के लिए इसी तरीके से सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है मान लीजिए कि जो उद्योगों को हतोत्साहित कर रही है ऐसी सरकार होनी चाहिए जो उद्योगों को खासकर विनिर्माण उद्योगों को प्रोत्साहित करे अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो भारत में आज के समय में क्या हो रहा है आज के समय में भारत में मेक इन इंडिया जो है वो स्कीम जो है लॉन्च की जा चुकी है ताकि आप भारत में अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो है वो लग सकें अगर सरकारी नीति विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सपोर्ट में नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ग्रो करेगा कैसे आगे बढ़ेगा इसी तरीके से लास्ट है समूहन अर्थव्यवस्था तक अधिगम्यता या ऑब्लिक में लिखा है उद्योगों के मध्य संबंध मतलब कुल मिलाकर अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है बड़ी कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो उस इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सी सपोर्टिव इंडस्ट्रीज की जरूरत आप लोगों को चाहिए वो उसकी उपलब्धता होनी चाहिए सपोज करिए आप लोगों को जूते की फैक्ट्री खोलनी है तो जूते की फैक्ट्री खोलना है तो आपको चमड़ा मिल जाना चाहिए आपको एक प्लास्टिक मान लीजिए थोड़ा बहुत उसमें प्लास्टिक लग रहा है तो प्लास्टिक मिल जाना चाहिए उसमें कहीं लेबल लग रहा है तो लेबल मिल जाना चाहिए शर्ट मान लीजिए आप शर्ट की फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसमें बटन्स कहीं और बन रहे हैं तो बटन्स आ जाने कहीं से कच्चा माल और कच्चा कपास आ जाना चाहिए तो जो सपोर्टिव इंडस्ट्रीज है ना वो भी आसपास उपलब्ध होना चाहिए अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो अब हम लोगों को एक एक जो पॉइंट है ना उसको विस्तार से समझना है सबसे पहले तो आप लोगों को ये पॉइंट रट लेने हैं सीधा तौर तो पर क्वेश्चन आएगा कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो पूरे कारकों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए फिर आप मन से तो लिख ही देंगे अगर आप लोगों को पॉइंट याद आ गए इसलिए मैं पॉइंट याद रखने की बोल रहा हूँ इन पॉइंट्स को अगर आप याद रख लेंगे तो मन से लिख पाएंगे बाकी हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं जैसे कि बाजार तक अभिगम्यता एक्सेस टू मार्केट इसको हम लोग समझ लेते हैं उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है सीधी सी बात है मैंने बताया कि अगर हम मान लीजिए जूते बना रहे हैं शर्ट बना रहे हैं साबुन बना रहे हैं हम मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं या मार्केट में खरीदेंगे तभी ना लोग जब मार्केट तक वो चीज उपलब्ध होगी मार्केट में वो चीज उपलब्ध नहीं होगी तो कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कैसे तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति है। मतलब आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी डिमांड भी होनी चाहिए उसकी मांग होनी चाहिए और साथ ही साथ लोगों की क्रय शक्ति क्षमता होनी चाहिए ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो इतना महंगा है कि लोगों से खरीद ही नहीं पा रहे तो लोगों की परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए क्रय शक्ति भी होनी चाहिए दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाज़ारों से युक्त होते हैं यूरोप उत्तरी अमेरिका जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाज़ार हैं क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम होती भाई ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं जहां पर कम जनसंख्या निवास करती है ऐसे जगह पर आप जनरली देखेंगे कि वहां पर बाज़ार जो होते हैं वो छोटे होते हैं मतलब वहां पर लोग भी नहीं होते डिमांड भी नहीं होती और लोगों की परचेजिंग पावर क्रय शक्ति क्षमता भी नहीं होती लेकिन आप विकसित देश देख लीजिए जहां पर जनसंख्या मान लीजिए थोड़ी ज्यादा भी है जैसे यूरोप हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया जापान ऑस्ट्रेलिया यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं लोगों की क्रय शक्ति क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है ठीक है तो लोगों की परचेजिंग पावर यहाँ पर ज्यादा होती है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं किसकी बात हो रही है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात जो है यहाँ पर हो रही है जैसे हम भारत की बात कर लें श्रीलंका की बात कर लें इंडोनेशिया की बात कर लें यहाँ पर जो देश उपलब्ध है बांग्लादेश की हम लोग बात कर लें म्यांमार की बात कर लें तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है पाकिस्तान यदि हम पाकिस्तान आ, हम की बात कर लें इंडिया की बात कर लें भारत की बात कर लें श्रीलंका की म्यांमार बांग्लादेश इनकी बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है इसलिए जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर मार्केट नजर आता है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे बेचेंगे क्योंकि तो जनसंख्या मान लीजिए कम है तो लोग डिमांड भले ही कितनी कर लें लेकिन मतलब नहीं है लोग खरीदने वाले नहीं है इतने जितने की प्रोडक्ट बन गए हैं तो भारत जैसे देश जो हैं जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है ग्लोबल कंपनीज जो होती हैं उनकी नज़र में होते हैं क्योंकि तो कंपनियों को दिखता है कि भाई ये भारत जो है कितना बड़ा मार्केट है आज के समय में अगर हम लोग देखें तो दुनिया की कोई भी कंपनी हो वो भारत की अवहेलना कर सकती है क्या वो ऐसा सोचे कि यार मैं भारत में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचूंगी वो कंपनी सोचे तो आज के समय में काम नहीं चल सकता भाई भारत में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को बाजार तक अभिगम्यता ये पॉइंट जो है ना एक्सेस टू मार्केट समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट हम लोगों को देखना है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इतने अच्छे से ये जो चैप्टर समझाया जा रहा है आप लोगों को कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा टॉपिक वाइज आप लोगों को इतने बढ़िया से बढ़िया तरीके से बताया जाता है आसान भाषा में बताया जाता है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई बार जो शब्दावली होती है ना वो बहुत जटिल होती है इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें ठीक है तो सेकेंड जो पॉइंट है वो है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभी यानी एक्सेस टू रॉ मटेरियल उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए तो कोई भी इंडस्ट्री कोई भी उद्योग आप खोल रहे हैं तो इसके लिए जो कच्चा माल है रॉ मटेरियल है आपको आसानी से मिल जाए सस्ता मिल जाए पहली चीज तो और आसानी से मिल जाना चाहिए भारी वजन सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होते हैं जैसे स्पात चीनी एवं सीमेंट उद्योग भाई ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल जो कच्चा माल होता है ना उसका वजन ज्यादा होता है और तैयार जो माल होता है उसका वजन कम होता है ना ऐसे उद्योग जो है वो कच्चे माल के पास ही स्थापित होने चाहिए ऐसा बोला जा रहा है उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप मान लीजिए चीनी उद्योग खोलते हैं शक्कर शुगर की मैं बात कर रहा हूं वो उद्योग खोलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रक भराकर गन्ना आया एक ट्रक भरा कर मान लीजिए गन्ना आया और उससे शुगर जो है वो निकली मुश्किल से डेढ़ से दो बोरा तो ट्रक में जो गन्ने भरे थे उनका वजन देखो और उससे निकलने वाली शुगर देख लो कि कितनी निकली तो ये जो उद्योग होते हैं इनको वजन ह्रास उद्योग बोलते हैं कौन से उद्योग वजन ह्रास उद्योग बोलते हैं तो इसमें देख लीजिए आप चीनी जनरली आप नोटिस करेंगे कि जो चीनी उद्योग होंगे शुगर इंडस्ट्रीज होंगी वो ऐसी जगह होंगी जहां पर आस पास ही गन्ने के खेत हों ताकि ऐसा ना हो कि गन्ने को लाने ले जाने लाने ले जाने में ही पूरी कॉस्ट निकल वो पूरी पूरी कॉस्ट जो है पूरी ताकत लग जा रही है कंपनियों की और गन, अगर चीनी बन रही है तो फिर वो बड़ी महंगी बिक रही है इसलिए कोशिश की जाती है इंडस्ट्रीज़ की कंपनियों की कि भाई जिस जगह कच्चा माल उपलब्ध है जिस जगह रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसी जगह के पास जो है इंडस्ट्री लगाई जाए और इसके उदाहरण क्या है इस्पात इंडस्ट्री चीनी और सीमेंट उद्योग क्योंकि अगर आप लोह एस को भी निकालेंगे ज़मीन के अंदर से तो पता चला उससे स्टील बहुत कम निकला लेकिन उस जो हम लोगों ने कच्चा माल निकाला था उसको लाने ले जाने में कॉस्टिंग कितनी लगेगी परिवहन के साधन लगेंगे ऐसे में जो तैयार स्टील होगा उसकी कीमत हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट तो लगी हुई है इसलिए बोला जाता है कि ऐसे उद्योग कच्चे माल के पास ही लगाए जाते हैं कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है ठीक है जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को चीनी इंडस्ट्री लगानी है तो कोशिश क्या होगी कि भाई गन्ना खराब ना हो जाए जहां से कटकर आ रहा है तुरंत जो है मिल तक पहुंच जाए ताकि उसको चीनी में कन्वर्ट किया जा सके क्योंकि जैसे, जैसे जैसे गन्ना जितनी देर में इंडस्ट्री वहां तक पहुंचेगा मिल तक पहुंचेगा उसके अंदर शर्करा यानी शुगर की जो क्षमता है क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी भाई गन्ने का रस आज के समय में कोई गन्ना आप काटें और उसका रस निकालें और तीन चार दिन बाद उस गन्ने का रस निकालें तो पता चलता है कि जो पहले दिन तुरंत आपने गन्ने का रस निकाला था उसमें शुगर ज़्यादा होती है और जो दूसरी बार तीन चार दिन बाद हम लोगों ने गन्ना निकाला या गन्ना सुखा सुखाकर सुखा कर हम लोगों ने रस निकाला तो उसमें शुगर की जो मात्रा होती है वो कम होती है इस चीज़ को बोला जाता है पिराई काल क्या बोला जाता है पिराई काल तो चीनी उद्योग में ये बात बोली जाती है कि जो गन्ना होता है उसका पेराई काल जो होता है वो कम होना चाहिए कुल मिलाकर जैसे ही गन्ना कटता है तुरंत जो है मिल तक पहुंच जाना चाहिए ताकि शुगर जो है शक्कर जो है वो ज्यादा बनाई जा सके शक्कर हो गुड़ हो कुछ भी जो है बात हो सकती है लेकिन मैं बता रहा हूँ बस ठीक है इसी तरीके से इस्पात और चीनी सीमेंट उद्योग तो कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित तो उद्योगों के लिए पदार्थ को पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं इसी तरीके से मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनानी है जहाँ पर दूध दही वगैरह बनता है जैसे सांची हो गया अमूल हो गया तो ये ये जगह भी ऐसी होती हैं ताकि आसपास से जो दूध आ रहा है वो तुरंत जो है कंपनी तक लाया जा सके ऐसा ना हो दूध लाने में ही खराब हो गया इससे बहुत बड़ी दिक्कत कंपनीज़ को हो जाती है उम्मीद करता हूं ये सेकंड जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा थर्ड जो पॉइंट है कि विनिर्माण उद्योगों के स्थापित होने के लिए कौन से कारक है थर्ड पॉइंट है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता यानी एक्सेस टू लेबर सप्लाई उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है बढ़ते हुए यंत्रीकरण स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीली लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भर निर्भरता को कम कर दिया है फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है भाई अगर अगर आपको भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है स्थापित करनी है तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कुशल श्रमिकों की तो दो फैक्टर हम देख चुके थे कच्चा माल ठीक है हम लोग देख चुके हैं ना अभी कच्चा माल मिलना चाहिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम लोग को स्टैब्लिश करनी है बाजार तक पहुंच होनी चाहिए अगर हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो थर्ड पॉइंट है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता मतलब हमें सस्ता लेबर भी मिल जाना चाहिए स्किल्ड लेबर भी मिल जाना चाहिए चौथा पॉइंट है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता यानी एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही लाए जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम उद्योग प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था पर आजकल जल विद्युत और खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति के महत्वपूर्ण साधन है तो कई उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ऐसे उद्योग भी उस एनर्जी सोर्स के समीप ही स्थापित किए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, है परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता यानी एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कच्चे माल को कारखाने तक ले जाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं जैसे औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है तो अगर हमें हमारे सामान को बहुत जल्दी मार्केट में पहुंचाना है तो हमारे पास परिवहन सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए साथ ही साथ संचार सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सके परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है भाई अच्छी परिवहन की सुविधाएं होंगी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी तो ऑब्वियस ही बात है वो इंडस्ट्री या उद्योगों के लिए फायदेमंद होंगी इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पश्चिमी यूरोप यदि मान लीजिए ये, ये यूरोप है तो यूरोप के पश्चिमी भागों में और अमेरिका के पूर्वी भागों में उद्योग संकेन्द्रित हैं उसका कारण क्या है कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं यहां पर जहाज से कोई चीज आ रही है जहाज से मान लीजिए हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा हूं समुद्री व्यापार से अगर कोई चीज आ रही है तो आसानी से कच्चा माल यहां पर पहुंच रहा है प्रोसेस हो रहा है फिर ट्रेनों का जाल, का जाल जाल सड़कों बहुत आसानी से यहां पर उपलब्ध है ठीक है इसलिए वहां पर उद्योग संकेंद्रित है आधुनिक उद्योग अप्रत करन, अप्रतकरणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हुए हैं परिवहन नियता में सुधार समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है कुल मिलाकर आज के समय में जो उद्योग हैं वो उन्हें हम परिवहन तंत्र से अलग नहीं कर सकते और अलग नहीं कर सकते के लिए जो शर्म जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है अपृथक्करणीय मतलब आज के समय में ऐसी कोई इंडस्ट्री ये कल्पना नहीं कर सकती कि भाई उसके पास परिवहन की सुविधाएं नहीं हैं कोई भी कंपनी हो उसके पास परिवहन की सुविधाएं होती हैं अगर नहीं होंगी तो वो अपना व्यापार अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी उद्योग सूचना के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार का भी संचार की भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है टेलीफोन वगैरह जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है मोबाइल फोन होना चाहिए पहले के समय में नहीं था कि भाई कम्युनिकेशन नहीं होता था आज के समय में तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आप सिर्फ अपने देश में ही सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते हो बाहर दुनिया के देशों से भी बात कर सकते हो फिर माल तैयार होता है जिससे सबसे ऑर्डर वगैरह लिए जाते हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं या कारक जो है जो विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करता है वो है सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी जैसा कि मैंने कहा कि जिस देश की गवर्नमेंट विनिर्माण उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है उस देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ती है चाहे आप चाइना का एग्जाम्पल समझ सकते हैं हालांकि दुर्भाग्यवश भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर उतना ध्यान नहीं दिया आगे के जो चैप्टर्स होंगे ना उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा खासकर जब हम तृतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र में ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार प्राथमिक गतिविधि से तृतीय गतिविधि की तरफ शिफ्ट होना हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक रहा द्वितीय गतिविधियों में मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया इंडिया जो है अपनी इतनी अच्छी धाक जो है वो नहीं जमा पाया आज के समय में आप देखेंगे कि जो हमारे आई प्रोफेशनल्स हैं इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में छाए हुए हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत कम है पूरी दुनिया में आपसे अगर मैं पूछूं कि भारत में कितनी कार कंपनियां हैं जो भारत की स्वयं की हैं तो आप लोग देखेंगे आपको याद ही नहीं आएगा टाटा या महिंद्रा के अलावा कुछ वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना में कितनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं तो लगभग सौ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं चाइना में तो ये अंतर है भारत और चाइना में ठीक है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आई आ गई होगी हो कि सरकारी नीति किस प्रकार विनिर्माण उद्योगों को प्रभावित करती है संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है सरकारों की कोशिश होती है कि कोई एक जोन वगैरह डिक्लेयर कर दिया जाए जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप की जा सके नेक्स्ट जो कारण है वो है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता ऑब्लिक उद्योगों के मध्य संबंध जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है जैसे जूते की मान लीजिए आपको फैक्ट्री खोलनी है तो कोशिश करेंगे आप कि उसके आसपास सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उपलब्ध हैं मजदूर मिल जाए आपको चमड़ा मिल जाए मान लीजिए जा जूते की आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं आस से अगर मिल जाएंगे बहुत आसानी से तो जूते की फैक्ट्री बहुत अच्छे से वर्क करेगी तो प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योग लाभान्वित तो होते हैं ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित हो जाता है और इसी प्रकार मान लीजिए जूते की फैक्ट्री अच्छे से सरवाइव करेगी तो ये जूते जो हैं आसपास के जो एरिया होंगे वहां पर आसानी से बिक जाएंगे क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबर्स हैं वही भी वो भी तो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो अपने आप में एक पूरी इकोनमी जो है ना वो डेवलप हो जाएगी पूरी एक अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इसी को हम लोग समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं ठीक है विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की भी प्राप्ति होती है भाई पैसा भी बचता है मान लीजिए ये सब इंडस्ट्री से बहुत सामान जो है मान लीजिए एक मुख्य इंडस्ट्री में जा रहा है तो उससे पैसे की भी तो बचत होती है ना कहीं दूर से सामान हम लोगों को मंगाना नहीं पड़ रहा उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं उपरोक्त सभी कारक मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि बाजार तक अभिगम्यता श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता सरकारी नीति और समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता ये सभी कारक निर्भर करते हैं अगर कहीं का डिपेंड करते हैं या ये सभी कारक प्रभावित करते हैं किसी इंडस्ट्री को लगने में ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक मैंने बताए हैं एक एक कारक आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोगों लो को पढ़ना है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण देखिए अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि विनिर्माण क्या होता है हम लोगों ने इंडस्ट्रीज या विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देख लिया अब हम लोग देखेंगे कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है भाई कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं कैसे उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है सबसे ज़्यादा एम सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से बनते हैं तो ध्यान से जो है आपको पढ़ना है किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए हम लोग विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार कच्चा माल उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है तो देखिए विनिर्माण के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को वर्गीकृत करें कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम लोग विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कर सकते हैं एक बार आप ये मैप जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें इस मैप में सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी एन में ये मैप दिया हुआ है आप लोगों को याद कर लेना है अगर ये मैप आप लोगों ने याद रख लिया ना तो ज्यादा आधे से ज्यादा जो आपका चैप्टर है ना वो आप लोगों के कंट्रोल में आ जाएगा आप लोगों से चीज़ें मिस नहीं होगी और यहाँ पर जो है ना उदाहरणों के साथ भी जो है आप लोगों को समझाया गया है देखिए कितना अच्छा मैप है यहाँ पर उद्योगों का वर्गीकरण है यहाँ पर आधार बताया गया है कि किस आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं ठीक है क्या क्या आधार है एक बार हम लोग देख लेते हैं पहला जो आधार है आकार के आधार पर कि हम साइज के आधार पर देख लेते हैं कि भाई कोई इंडस्ट्री कितनी बड़ी है क्या है कच्चे माल के आधार पर हम इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण कर सकते हैं उत्पाद के आधार पर हम इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण कर सकते हैं और स्वामित्व के आधार पर हम इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण कर सकते हैं स्वामित्व का मतलब होता है कि मालिकाना हक कि वो इंडस्ट्री किसकी होगी ठीक है मालिकाना हक सरकार का होगा कोई प्राइवेट व्यक्ति का होगा कि दोनों का होगा इस हिसाब से ठीक है एक एक करके मैं वर्गीकरण आप लोगों को समझा दे रहा हूँ सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है आकार के आधार पर तो इसमें पहला आता है कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग जो घर में संचालित होते हैं ना उनको कुटीर उद्योग बोलते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं छोटे उद्योग मतलब कुटीर उद्योग से थोड़े से बड़े उद्योगों को हम छोटे पैमाने के उद्योग बोलते हैं और बड़े पैमाने के उद्योग मतलब जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं हैवी व्हीकल मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है तो ये बड़े पैमाने के उद्योगों में आ जाएंगे तो साइज के आधार पर अगर हम उद्योगों की बात करें तो कुटीर छोटे और बड़े उद्योगों का नाम आता है इसी तरीके से अगर हम कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें मतलब उद्योगों को जो रॉ मटेरियल मिल रहा है कच्चा माल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है अगर कच्चा माल कृषि से मिल रहा है तो उसे हम कृषि आधारित तो उद्योगों के अंतर्गत रखेंगे तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे कि भाई चीनी वनस्पति तेल सूती वस्त्र क्यों क्योंकि इनके लिए जो कच्चा माल कहाँ से आ रहा है खेती से आ रहा है जैसे चीनी चीनी के लिए एक अच्छा माल क्या होता है गन्ना तो गन्ने की खेती होती है ना इसी तरीके से वनस्पति तेल वनस्पति तेल है मान लीजिए तो उसके लिए जो तेल है कुल मिलाकर मान लीजिए तो उसके लिए कच्चा च् माल क्या है मूंगफली है मूंगफली का तेल है अगर तो सरसों है सरसों का तेल है तो तो इनकी भी क्या हो रही है खेती हो रही है सूती वस्त्र इनके लिए एक अच्छा माल क्या है कपास है तो इन उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत रखते हैं दूसरा जो वर्गीकरण है कच्चे माल के आधार पर ही उसे हम बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग खनिज आधारित उद्योग मतलब इसमें हम धात्विक खनिजों को भी वर्गीकृत करते हैं और अधात्विक खनिजों को भी वर्गीकृत करते हैं अब धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं लोह खनिज और अलोह खनिज मतलब ऐसे उद्योग जिनमें लोहे का प्रयोग हो रहा है उसे हम लोह उद्योग बोलते हैं ऐसे उद्योग जिनमें लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा है उन्हें अलोह उद्योगों के अंतर्गत रखते हैं और ये दोनों ही उद्योग धात्विक धात्विक इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के अंतर्गत आते हैं इसी तरीके से उद्योग जिनके लिए कच्चा माल जो होता है वो अधातु होता है जैसे कि सीमेंट हो गए या चीनी मिट्टी के बर्तन इनमें धातुओं का इस्तेमाल नहीं होता इसलिए इन्हें आधात्विक उद्योग बोलते हैं और ये उद्योग खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं चाहे वो धात्विक उद्योग हो और चाहे वो अधात्विक उद्योग हो इसी तरीके से रसायन आधारित उद्योग केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनमें पेट्रो रसायन प्लास्टिक कृत्रिम रेशा नमक और रासायनिक उर्वरक आते हैं क्या क्या, क्या आते हैं पेट्रो रसायन प्लास्टिक आते हैं कृत्रिम रेशा आता है नमक आते हैं और रासायनिक उर्वरक आते हैं ये सभी उद्योग रसायन आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं जो नेक्स्ट वर्गीकरण है कच्चे माल के आधार पर ही वो वर्गीकरण है वन आधारित उद्योग जिनके लिए कच्चा माल जो होता है वो वनों से प्राप्त उद्योग होते हैं या वनों से प्राप्त उत्पाद होते हैं सॉरी मतलब जैसे कि इमारती लकड़ी हो गया लाख हो गया तारपीन का तेल हो गया कागज़ हो गया ये सभी वन आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है पशु आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या होता है पशुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे कि चमड़ा या फिर ऊन चमड़े चमड़े की जो प्राप्ति होती है वो भी पशुओं से होती है और ऊन की प्राप्ति भी पशुओं से होती है तो ये सभी जो मैंने वर्गीकरण आप लोगों को बताया कि कृषि आधारित खनिज आधारित रसायन आधारित वन आधारित और पशु आधारित ये सब ही कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है आप लोगों को ये वर्गीकरण बहुत अच्छे से याद रख लेना है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही है पसंद आ रही है ना पक्का अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ तुरंत जो है वीडियो को शेयर करिए और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है उत्पाद के आधार पर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जो है उसके बेस पर अगर हम इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण करें तो पहला जो वर्गीकरण है वो है मूलभूत उद्योग मूलभूत उद्योग मतलब मूलभूत उद्योग का मतलब हो, ऐसा होता है कि जो हर उद्योग के लिए जरूरी है ऐसे उद्योगों को हम मूलभूत उद्योग बोलते हैं चाहे आप बिस्किट बनाएं चाहे आप कागज बनाएं चाहे आप अगरबत्ती बनाएं चाहे आप मोमबत्ती बनाएं चाहे आप सुई बनाएं चाहे आप हवाई जहाज बनाएं ऐसे उद्योग तो जो इन सभी उद्योगों तो के लिए ज़रूरी हैं ऐसे उद्योगों तो को मूलभूत उद्योग बोलते हैं जैसे कि मशीन अब मशीन के लिए लोहे की जरूरत है वो लोहा क्या है लोह इस्पात उद्योग तो के अंतर्गत आएगा और इस उद्योग तो से जो लोहा बनेगा वो हर इंडस्ट्री में काम आएगा चाहे वो चीनी मिल की कोई इंडस्ट्री हो चाहे वो पेट्रोलिकल केमिकल इंडस्ट्री हो चाहे वो लाख की इंडस्ट्री हो चाहे वो चमड़े की इंडस्ट्री हो हर इंडस्ट्री में किसी न किसी तरीके से लोह इस्पात का इस्तेमाल तो होगा ही भाई लोहे की मशीन है। तो हर उद्योग में लगेंगी ना इसीलिए इसे हम मूलभूत या फंडामेंटल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत रखते हैं और यह अपने आप में उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सेकेंड उत्पाद के आधार पर अगर हम उद्योगों का वर्गीकरण देखें तो वो है उपभोक्ता सामान के बेसिस पर कि कंज्यूमर जो है कैसे कैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम लोग उपभोक्ता सामान इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं और ये अपने आप में उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आता है जैसे बिस्किट हो गया या वस्त्र जो हो गए या फिर वाहन जो गए व्हीकल इंडस्ट्रीज जो हैं इनका इस्तेमाल उपभोक्ता डायरेक्टली करता है इसीलिए इन्हें हम उपभोक्ता सामान उद्योग के अंतर्गत रखते हैं और उपभोक्ता सामान उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है है। और लास्ट जो वर्गीकरण है वो है स्वामित्व स्वामित मतलब के आधार पर स्वामित्व होगा अगर सरकार आ, किसी मालिक है जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं रतन टाटा जी हैं या अडानी जी है गौतम अडानी जी तो ये निजी व्यक्ति हैं निजी व्यक्ति के ओनरशिप में कोई कंपनी होती है तो इसे हम निजी क्षेत्र की कंपनी बोलते हैं प्राइवेट कंपनी बोलते हैं कल को आप कोई इंडस्ट्री खोल लेंगे तो आप एक निजी व्यक्ति होंगे आपकी ओनरशिप में जो कंपनी होगी उसे आप प्राइवेट कंपनी बोलेंगे और लास्ट में आता है संयुक्त क्षेत्र मतलब जिसमें मालिकाना हक दोनों का होता है मतलब सरकार का होता है निजी क्षेत्र का होता है दोनों का होता है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को संयुक्त क्षेत्र की इंडस्ट्रीज बोलते हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो वर्गीकरण है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैं फिर से बता दे रहा हूं जितने भी ज्यादा एमसीक्यूज जो अपने लत्तीघोतरी लघोत्री दीर्घोतरी प्रश्न बनेंगे सीधे तौर पर इसी जो पाई चार्ट है इसी से बनेंगे इसी डायग्राम से बनेंगे फ्लो चार्ट कुछ भी कह लीजिए अपने तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं रट लेना है समझ लेना है और उसके बाद सारी चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं भाई आप लोगों से पूछ लिया कि कॉफी जो है वो किस तरीके का उद्योग है तो आप लोग बता देंगे कि भाई कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था और इसमें कृषि आधारित उद्योग है कॉफी ठीक है तो उम्मीद करता हूं ये चार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब एक एक करके हम लोग वर्गीकरण सारे समझ लेते हैं जैसे सबसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे आकार के आधार पर किसके आधार पर आकार बेस्ड ऑन साइज साइज के बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण पढ़ेंगे एक एक करके हमको सारी चीजें ध्यान से देख लेनी है तो आकार के आधार पर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज तो किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है भाई उद्योग का आकार का मतलब क्या होता है आकार का मतलब होता है कि उस इंडस्ट्रीज में पैसा कितना लगा है तो इसे हम लोग बोलते हैं पूंजी अगर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा लगा है करोड़ों रुपए लगे हैं तो उसे हम बड़े उद्योग बोलेंगे किसी उद्योग में श्रमिकों की संख्या कितनी है पांच दस पंद्रह बीस है या फिर हजारों लाखों है किसी उद्योग में उत्पादन की मात्रा की छोटा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत बहुत सीमित संख्या में बन रहा है या पर बहुत अधिक संख्या में बन रहा है इस आधार पर हम उद्योगों को आकार आधारित उद्योगों के अंतर्गत रखते हैं इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर उद्योग छोटे उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है देखिए अब भी बताया ना मैंने तीन तरी तीन तरीके से हम आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग बस इन तीनों को हम लोगों को समझ लेना है इन तीनों की परिभाषा हम लोगों को याद रखनी है सबसे पहले आ जाते हैं कुटीर उद्योग यानी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग कटरिंग ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो कुटीर उद्योग है ये समझ में आ गया होगा अभी मैं समझा रहा हूं कि कुटीर उद्योग बोलते किसको है देखिए यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है मतलब उद्योगों में अगर हम सबसे छोटा उद्योग देखें तो सबसे छोटा उद्योग कौन सा है सबसे छोटा उद्योग है कुटीर उद्योग इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं मतलब इसमें जो शिल्पकार होंगे जो चीजें कलाकारी करेंगे जो कलाकार होंगे वो स्थानीय मतलब वहीं पर लोकली जो कच्चा माल मिलेगा ना उसका उपयोग कर रहे हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई कि जैसे ही आप सड़क से निकलते हैं तो पता चला कि रास्ते के किनारे कोई टोकरी बेच रहा है डलिया जिसको हम बोलते हैं टोकरी बना रहा है टोकरी बना भी रहा है और वहीं पर बेच भी रहा है तो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर रहा है उसके ही गाँव में उसके ही आसपास जो वनों में बाँस मिल रहा होगा उसकी ही वो क्या बना रहा है टोकरी बना रहा है तो इस उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं इस उद्योग को हम कुटीर उद्योग बोलते हैं ठीक है तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा किसके द्वारा साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की, की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं साधारण इसमें कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति नहीं लगता इसमें आसपास के जो अपने खुद घर वाले होते हैं वही उत्पादन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वही उत्पादित करते हैं घर के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर उत्पादन करते हैं तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं मतलब जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं या तो उसका इस्तेमाल स्वयं करेंगे या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं जो गांव में आ, हर एक सप्ताह में एक बार बाजार लगता है ना उसमें या तो ये बेच देते हैं तभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं कुल मिलाकर जैसे एक प्रोडक्ट को दे दूसरा प्रोडक्ट ले लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति अपने आंगन में बर्तनों को बना रहा है नागालैंड में घरेलू उद्योग का ये उदाहरण है जिसमें कोई व्यक्ति अपने ही घर में बर्तन बना रहा है तो या तो, या तो ये खुद उपयोग करेगा या फिर गाँव में आसपास कोई बाजार लगेगा वहां पर बेच देगा या फिर इस मटके के बदले इस बर्तन के बदले कोई दूसरी चीज ले लेगा तो परिभाषा क्या हो जाएगी परिभाषा में आप लोगों को ये चार लाइनें याद रखनी है कि ये पहली बात तो उत्पादन की या निर्माण की सबसे छोटी इकाई है इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं क्योंकि आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि भाई कुटूर उद्योग की परिभाषा बताएं तो फिर आप क्या बताएंगे कि भैया इसमें जो व्यक्ति होता है ना शिल्पकार जो होता है वो स्थानीय कच्चे माल का क्या करता है उपयोग करता है एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं साधारण औजारों का उपयोग करते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो मशीनें होती हैं वहां पर नहीं होती कि बहुत जटिल मशीनें हैं यूज करना पड़ रहा है मशीनों को चलाने के लिए अलग व्यक्ति ट्रेंड व्यक्ति चाहिए ऐसे व्यक्ति नहीं होते ये तो हाथ से चीजें बनाते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुटीर उद्योग के बारे में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कही हो याद रखना है कुटीर उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है परिवहन एवं पूंजी इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते जो कुटीर उद्योग है ना इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती कि बहुत लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं नहीं बहुत कम पूंजी से और यदि परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनको प्रोडक्ट या तो खुद यूज़ करना है या आस के गाँव में बेच देना है या खुद के गाँव में बेच देना है तो परिवहन की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना ये इनका व्यापारिक महत्व नहीं होता कोई जरूरी नहीं है कि इनको कोई फ्लिपकार्ट पर अमेजोन पर लिस्टेड नहीं करना होता इनको ये जो प्रोडक्ट है वो ही आसपास ही बेचना होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ कपड़ा चटाइया बर्तन औजार फर्नीचर जूते एवं लघु मूर्तियां उत्पादित की जाती है तो इस उद्योग में उत्पादन किन चीज़ों का होता है उस पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं जैसे कि खाने का पदार्थ जो होता है खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे अचार वगैरह हो गए कपड़े जो हो गए कोई चटाइयाँ वगैरह हो गई बर्तन जो हो गए फर्नीचर हो गए जूते जो हो गए या लघु छोटी छोटी मूर्तियाँ हो गई आप लोगों ने देखा होगा जो मान लीजिए गणेश चतुर्थी के आसपास गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं जो नवदुर्गा होता है उसमें मूर्तियां होती हैं देवी जी की ये सब उद्योग क्या है कुटीर उद्योग है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी देखिए दूसरा यहाँ पर डायग्राम बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सड़क किनारे बांस की टोकरी बनाता हुआ एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति देखिए कितनी खूबसूरत बांस की टोकरी बना रहा है अब इसको देखकर लग रहा है कि भाई ये कहीं और जाएगा और बेचेगा शेयर मार्केट में लिस्ट करेगा अपनी कंपनी नहीं ना तो यहाँ पर इसे हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखते हैं इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन ईंट चमड़े कई प्रकार का सामान बनाया जाता है सुनार, सोना चांदी एवं तांबी के आभूषण बनाता है कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती हैं। ठीक है ठेके? तो एक दो उदाहरण आप लोग याद रख लें एक दो उदाहरण भी काफी होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि पूरे आप लोग सब आ, सब उदाहरणों का जिक्र करेंगे सोनार चांदी या बांस का भी जिक्र कर रहे हैं बर्तन का भी जिक्र कर रहे हैं नहीं दो तीन आप लिखेंगे और मुख्य एग्जाम्पल या मुख्य बात जो आप लिख लेंगे कि भाई स्थानीय लोग स्थानीय उत्पाद का यूज होता है घर के परिवार के लोग मिलकर यूज करते हैं बस इतना ही लिख देंगे तो कुटीर उद्योग की परिभाषा एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी नेक्स्ट है छोटे पैमाने के उद्योग यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसमें क्या होता है यह कुटीर उद्योगों से थोड़े भिन्न होते हैं मतलब अलग होते हैं कुटीर उद्योग और इनकी विशेषता थोड़ी सी अलग होती है इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं इसमें जो होती है ना चीजें चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें तकनीक की बात करें उत्पादन की चाहे हम निर्माण स्थल की बात करें क्योंकि वहां पर तो निर्माण जो हो रहा था टोकरी का बर्तन का वो घर पर हो रहा था लेकिन यहाँ पर तो घर के बाहर कारखाने में उत्पादन होगा इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इसमें जो श्रमिक होते हो ना यह है, होते हैं ना वो अर्धकुशल होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा स्किल तो नहीं होते लेकिन फिर भी स्किल्ड उनके अंदर थोड़ी बहुत तो होती ही है और वहाँ पर तो बहुत कम स्किल की आवश्यकता पड़ती है लेकिन यहाँ पर स्किल की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर शक्ति से चलने वाले जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग होता है रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है इसमें क्या होता है ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो ज़्यादा लोगों को सैलरी मिलेगी ज़्यादा लोगों को सैलरी मिलेगी तो क्रय शक्ति जो है ना लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है भारत में चीन में इंडोनेशिया में ब्राज़ील में इन देशों ने अपनी जनसंख्या को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग जो है वो आरंभ किए हैं पता है भारत सरकार भी छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है क्यों क्योंकि इनमें ज़्यादा लोग कार्यरत होते हैं ज़्यादा लोग कार्यरत होते हैं तो ज़्यादा लोगों की निर्भरता इन उद्योगों पर होती है ज़्यादा लोगों को सैलरी मिलती है इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि अधिक से अधिक फ़ायदा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिया जाए क्योंकि इन इनसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है तो जहाँ पर ज़्यादा लोग रोज़गार से भी होंगे ज़्यादा लोग जो लोग रोज़गार करेंगे सरकार क्या करेगी उनका ध्यान रखती है कि भाई हमारे देश में छोटे पैमाने के उद्योग खुलते हैं तो लोगों का जो भरण पोषण है आसानी से हो सकता है क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या तो सीमित है सरकार कितनी नौकरियां देगी लेकिन अगर हम उद्योगों में लोगों को खपा देते हैं थोड़े बहुत अर्धकुशल लोग जो हैं वो छोटे छोटे उद्योगों में लग जाते हैं तो सरकार का काम आसान हो जाता है ठीक है तो छोटे पैमाने के उद्योग जो है किस प्रकार कुटीर उद्योग से भिन्न है आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर भले ही स्थानीय कच्चे माल का उपयोग हो रहा हो लेकिन यहां पर मशीन जो होती हैं वो किससे चलती हैं शक्ति से चलती हैं यहां पर अर्ध कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ यहां पर उत्पादन की जो तकनीक होती है वो थोड़ी सी भिन्न होती है चलिए अब हम बड़े पैमाने के उद्योग यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं ये जो है बड़े बड़े उद्योग बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं ज़्यादा पूंजी लगती है ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है जैसे कि मान लीजिए सिविल मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी जो कार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स ठीक है और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर थोड़े कम इंजीनियर्स जो हैं वो या सॉरी अर्धकुशल जो श्रमिक हैं बड़ी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जैसे कि अभी हम लोगों ने छोटे पैमाने के उद्योग देखे तो बड़े पैमाने के उद्योग यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में देख लेते हैं बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार होना चाहिए भाई बाजार बहुत बड़ा होना चाहिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल इसमें चाहिए होता है जैसे कि कार है मान लीजिए तो कार बनाने में आपको चमड़ा भी चाहिए क्योंकि सीट आपको बनानी है आपको प्लास्टिक फाइबर भी बनाना है आपको लोहे की भी जरूरत होगी आपको एल्यूमिनियम हो की भी ज़रूरत होगी हर चीज़ की ज़रूरत होगी आपको रबर की ज़रूरत होगी टायर बनाने के लिए तो इसमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल लगता है इसमें शक्ति के साधन लगते हैं कुशल श्रमिक लगते हैं भाई इसमें जो लेबर लगेंगे वो स्किल्ड रहेंगे ठीक है विकसित प्रौद्योगिकी इसमें टेक्नोलॉजी जो होगी वो एडवांस लेवल पर होगी अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है पिछले 200 साल अगर हम लोग देखें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति आई है उसके बाद बड़े पैमाने के यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का ही बोलबाला पूरी दुनिया में बना हुआ है पहले उद्योग सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए गए थे परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। शुरुआत में उद्योग संकेंद्रित थे ग्रेट ब्रिटेन में क्योंकि यहीं पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह आया था संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएस में ये उद्योग संकेंद्रित थे यूरोप में उद्योग जो है वो संकेंद्रित थे लेकिन वर्तमान में ये जो उद्योग है पूरी दुनिया में क्योंकि इन उद्योगों के लिए भी तो भाई बाज़ारों की ज़रूरत है ना यूरोप में ब्रिटेन में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी लेकिन जो प्रोडक्ट बना रही है मान लीजिए कार बना रही है तो ब्रिटेन की जनसंख्या तो बहुत कम है ये कार खरीदेगा कौन अगर हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं लगाएंगे तो इसीलिए भारत जैसे देशों में और विश्व के विभिन्न देशों में अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है वो देखने लायक है अब इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहत पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो समूह में बांट सकते हैं परंपरागत औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है उच्च प्रौद्योगिकी वाले उच्च औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में कुल मिलाकर इसमें एक छोटा सा वर्गीकरण और किया गया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम दो तरीके से और वर्गीकृत कर सकते हैं परंपरागत और बृहद औद्योगिक प्रदेश जो मतलब कम देशों में जहां पर ये जो उद्योग है इनकी संख्या कम है और कुछ ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले प्रदेश हैं जहां पर इन उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसी को उन्होंने वर्गीकृत कर दिया है आप लोगों को मुख्य रूप से सिर्फ ये तीन वर्गीकरण है ना इनका ध्यान रखना है कौन कौन से तीन एक कुटीर उद्योग दूसरा हो जाएगा छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा हो जाएगा बड़े पैमाने के उद्योग ठीक है उम्मीद करता हूं आकार के आधार पर आप लोगों को उद्योगों का वर्गीकरण बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा देखिए हम लोगों को चार या पांच प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ना है एक बार मैं चार्ट पर आप लोगों को फिर से ले चलता हूं देखिए आप लोगों को आकार के आधार पर कच्चे माल के आधार पर उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ना है हम लोगों ने आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लिया है अब हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर उद्योगों को कितने तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है समझ में आ रही है ना वीडियो तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए तो कच्चे माल पर आधारित हम उद्योगों का जो वर्गीकरण पढ़ते हैं तो इसे हम पांच तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं पहला है कृषि आधारित दूसरा है खनिज आधारित तीसरा है रसायन आधारित चौथा है वन आधारित और पांचवा है पशु आधारित इन पांच तरीके से हम लोग कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो नंबर है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा सबसे पहले हम लोग कृषि आधारित यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज समझ लेते हैं तो खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में बेचा जाता है प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर अचार फलों के रस पेय पदार्थ जैसे कि चाय कॉफी कोकोआ मसाले तेल एवं वस्त्र और रबड़ उद्योग आते हैं कुल मिलाकर बहुत आसान चीज है अगर कृषिगत उत्पादों को चेंज किया जाता है प्रसंस्कृत किया जाता है उनका रूप बदला जाता है तो ऐसे उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि शक्कर ठीक है शक्कर से संबंधित अगर मान लीजिए उद्योग है तो कृषिगत उत्पाद क्या हो जाएगा गन्ना इसी तरीके से अचार से संबंधित कोई उद्योग है तो इसमें कच्चा माल क्या हो जाएगा कैरी वगैरह जो होती है कच्चा आम जिसको हम लोग बोलते हैं नींबू हो सकता है किसी का भी अचार जो है हो सकता है <coughs> फलों का रस है मान लीजिए तो इसमें कच्चा आ, कच्चा जो माल है रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा विभिन्न तरीके के फल हो जाएंगे इसी तरीके से चाय रबड़ उद्योग ये सब कृषि आधारित यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं आप लोग याद रखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों से इन चीजों को खरीदा जाता है कच्चे माल को खरीदा जाता है और वापस विक्रय हेतु तैयार माल के रूप में ये वापस नगरीय क्षेत्रों में आ जाता है ठीक है सबसे पहले हम लोगों ने देखा कृषि आधारित उद्योग इसी में आप लोगों को एक चीज समझनी है जिसको हम लोग बोलते हैं भोजन प्रसंस्करण ठीक है भोजन प्रसंस्करण ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आज के समय में ये इंडस्ट्री जो है अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है भोजन प्रसंस्करण की अगर हम लोग बात करें इसमें क्या होता है कि चीजों को खाद्य वस्तुओं को प्रसंस्कृत किया जाता है मतलब उनको लंबे समय तक कैसे संरक्षित रख सकते हैं इस प्रक्रिया में बल दिया जाता है इस प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें फलों का रस आप शुद्ध अगर फलों का रस आ, फल लाते हैं घर में और उसका रस निकालते हैं तो आप देखेंगे एक दो दिन में वो जूस जो है वो खराब हो जाता है लेकिन पैकेट में अगर वही फलों का जो रस है आ, बंद पैकेट बंद होकर बाज़ार में बिकता है तो आप देखेंगे एक साल दो साल तक उसकी एक्सपायरी डेट होती है इसी तरीके से अचार जो है अचार को आप लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं क्योंकि उसमें तेल डाला जाता है कई बार शक्कर डाली जाती है नमक बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो जाता है इस वजह से अचार लंबे समय तक संस्करण जो है संरक्षित हो सकता है और इसी को हम लोग बोलते हैं भोजन प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है तो कृषि से तैयार खाद्य में मलाई यानी क्रीम का उत्पादन डिब्बा खाद्य फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाइयां सम्मिलित की जाती हैं खाद्य को संरक्षित रखने के लिए कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं जैसे कि उनको अगर सुखा लिया जाए उनका संधान कर लिया जाए अचार के रूप में उन्हें तेल डाल दिया जाए सिरका डाल दिया जाए नमक डाल दिया जाए और इन विधियों का औद्योगिक क्रांति से पूर्व सीमित उपयोग होता था मतलब पहले प्रसंस्कृत फूड जो है वो बहुत कम चला करते थे जैसे आज से मैं सिर्फ 30-40 साल पहले की ही बात करूँ ना तो पैकेट में बंद चीज़ें बहुत कम प्रचलन में थी लेकिन आज आप देखेंगे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो हैं मतलब जिनको आप सिर्फ घर में ले आइए और ज़रा सा आप पानी डालेंगे थोड़ा सा गर्म करेंगे और वो चीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी यानी रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रचलन आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आप खुद पाएंगे कि पहले पैकेट में बंद जो चीज नहीं मिलती थी आज मिलने लगी और ऐसा हो क्यों रहा है कि जो प्रोसेसिंग है प्रसंस्करण है ये बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इनकी नई नई विधियां जो हैं केमिकल्स जो हैं वो इजाद हो रहे हैं कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि अब हम कृषि व्यापार को अगर समझ लें तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है इसका वित्त पोषण प्राय वह व्या, वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि से बा, बाहर हो कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं इनको कृषि कारखाने भी किया जाता है कृषि कारखाने भी कहा जाता है कृषि व्यापार का मतलब होता है कि जो कृषि हम सामान्यता करते हैं उसको बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके अगर किया जाए तो इसे हम लोग कृषि व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो हम लोगों ने पहला जो टाइप देख लिया वो देख लिया हम लोगों ने कृषि आधारित उद्योग दूसरा हम लोग देख लेते हैं खनिज आधारित उद्योग भाई कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोगों ने कृषि आधारित उद्योग देखा अब देख लेते हैं खनिज यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कच्चा माल क्या होगा अब खनिज संसाधन होंगे तो इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं जैसे कि लौह इस्पात उद्योग अब लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा लोहा हो जाएगा जबकि कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम तांबा जो आभूषण होते हैं जिनको हम जवाहरात बोलते हैं इससे संबंधित उद्योग सीमेंट मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है तो धात्विक खनिजों से संबंधित उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा धातुएं हो जाएंगी और अधात्विक खनिजों से संबंधित उद्योगों के लिए कच्चा माल अधात्विक जो है वो हो जाए अधातुएं हो जाएंगी ठीक है याद रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे से और खनिज आधारित तो उद्योग भले कोई सा भी उद्योग हो उसके लिए बेसिक या मूलभूत उद्योग खनिज आधारित तो उद्योग ही होता है आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ले लेंगे जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था मतलब खाद्य प्रसंस्करण उसमें भी मशीनें अगर बनेंगी तो किससे बनेंगी खनिजों से ही तो बनेंगी ना तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी अब हम लोग देख लेते हैं रसायन आधारित उद्योग यानी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जिनमें कच्चा माल क्या होगा केमिकल्स होंगे तो इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का प्रयोग होता है जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है अच्छा, भी याद रखना है आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कि एग्जाम में पूछ लिया जाए रसायन आधारित उद्योगों के दो उदाहरण बताइए तो याद ही नहीं आ रहा है ठीक है तो पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है तो कच्चा माल यहां पर क्या हो गया ये केमिकल्स हो गए नमक गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल जो रेशे बनते हैं कृत्रिम रेशे बनते हैं प्लास्टिक का निर्माण होता है ये उदाहरण है रसायन आधारित उद्योग के तो अगर आप लोगों से उदाहरण पूछ लिया जाए कि रसायन आधारित उद्योगों के दो या तीन उदाहरण बताइए तो आप बोलेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो हो गई पेट्रो रसायन रसायन उद्योग हो गए अगर हम प्लास्टिक उद्योग की बात करें कृत्रिम रेशा बनाने बनाने वाले उद्योगों की बात करें तो ये उदाहरण है रसायन आधारित यानी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है आप अच्छे से वीडियो समझ पा रहे हैं तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब हम लोग देख लेते हैं वनों पर आधारित उद्योग यानी फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल्स यानी वनों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके अगर कोई उद्योग स्थापित होगा ऐसे उद्योगों को हम वनों पर आधारित उद्योगों के अंतर्गत रखेंगे तो वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है जैसे कि मुख्य उपज की अगर हम लोग बात करें तो इमारती लकड़ी जो हो गई फर्नीचर उद्योग के लिए अगर हम लोग बात करें तो इमारती लकड़ी कागज उद्योग के लिए लकड़ी बांस एवं घास और लाख उद्योग की अगर हम बात करें तो लाख लाख उद्योग जो लाख की चूड़ियां बनती हैं उनसे जो लाख निकलता है वो वनों से ही प्राप्त होता है तो ये जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण है वनों पर आधारित उद्योगों के और लास्ट में अगर हम लोग देखें तो वो है पशु आधारित उद्योग यानी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज चमड़ा एवं ऊन वस्तु चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होता है भाई चमड़ा किससे मिलता है पशुओं से मिलता है ऊन भी पशुओं से ही मिलता है हाथी दांत उद्योग के लिए जो हाथी दांत है तो वो भी कहा मिलेंगे भाई हाथी से ही मिलेगा हाथी दांत की चूड़ियां बनती हैं आप लोगों को पता होगा उम्मीद करता हूं आप लोगों को कच्चे माल के आधार आधार पर जो हम लोगों ने उद्योग पढ़े हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एक ही एक बार मैं जो है आप लोगों को नाम रिपीट करवा दे रहा हूं सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो कृषि आधारित उद्योग थे फिर खनिज आधारित उद्योग रसायन आधारित उद्योग वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग

क्लासिफिकेशन और उनके उदाहरण आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे अब हम लोगों को पढ़ना है अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम आधारभूत उद्योग यानी फंडामेंटल इंडस्ट्रीज बोलते हैं याद रखिएगा आधारभूत उद्योग की परिभाषा बार बार आप लोगों से पूछी जाएगी हर बार पूछी जाती है कि फंडामेंटल इंडस्ट्रीज या आधारभूत उद्योग किसको बोलते हैं तो आप बोलेंगे वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है

अब बारीक हिस्सों में अगर किसी वस्तु को तोड़ना है तो इस मशीन का प्रयोग तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है ना इसीलिए मशीन बनाने वाले ये उद्योग क्या हो जाएंगे आधारभूत उद्योग हो जाएंगे जिसको हम लोग उत्पाद या उत्पादन आधारित उद्योगों के अंतर्गत कंसीडर करेंगे उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चलिए उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है उदाहरण के रूप पर अगर हम लोग देखें रोटी ब्रेड बिस्किट चाय साबुन लिखने के लिए कागज टेलीविजन या श्रृंगार के सामान अगर हम लोग देखें इनका उत्पादन करने वाले उद्योगों को हम उपभोक्ता आधारित उद्योगों के अंतर्गत कंसिडर करते हैं मतलब जिन चीजों का उपभोग डायरेक्ट कंज्यूमर करता है तो उसको हम लोग लो उपभोक्ता माल बनाने वाले या आधारभूत उद्योग के अंतर्गत ही लेकर आते हैं तो उम्मीद करता हूं उदाहरण भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग यानी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप हम लोग समझ लेते हैं तो देख लीजिए एक बार मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं फिर आप लोग हम लोग जो है वो स्लाइड को पढ़ लेंगे टॉपिक का नाम क्या है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आप ऐसे समझिए समझ स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक या मालिक कौन होता है अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री है उद्योग है उसका मालिक अगर सरकार है ठीक है उसके मालिक मान लीजिए मोदी जी है सरकार है तो ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक सार्वजनिक ओनरशिप वाली सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योगों को हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग ठीक है ऐसे उद्योग जिनकी मालिक जो है वो सरकार अगर होती है तो ऐसे उद्योगों को या सरकार होती है तो ऐसे उद्योगों को हम सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं ऐसे उद्योग जिनका मालिकाना हक जो है किसी निजी व्यक्ति के पास होता है निजी व्यक्ति के पास मतलब प्राइवेट व्यक्ति के पास जैसे टाटा बिरला अंबानी इनके पास होता है तो ऐसे उद्योगों को हम लोग निजी उद्योग बोलते हैं क्या बोलते हैं निजी उद्योग या प्राइवेट उद्योग ऐसे उद्योगों को बोला जाता है निजी उद्योग नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पहले मैं समझा दे रहा हूं और ऐसे उद्योग जिनकी ओनरशिप या ऐसे उद्योग जिन जिनका मालिकाना हक सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है जैसे कि मान लीजिए सरकार का भी हक है और अंबानी जी का भी हक है दोनों का अगर हक होता है तो ऐसे उद्योगों को ऐसे उद्योगों को हम संयुक्त उद्योग बोलते हैं क्या बोलते हैं संयुक्त उद्योग बोलते हैं संयुक्त उद्यम इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम लोग उद्योग देखें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन में होते हैं ऐसे उद्योग जिनका ओनर या जिनकी जिनका मालिकाना हक सरकार के पास होता है ऐसे उद्योगों को हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत रखते हैं भारत भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है भारत के ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनका मालिकाना हक सिर्फ सरकार के पास है समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं मतलब जहां देश में समाजवादी नीतियों का पालन किया जाता है जो समाजवादी देश हैं वहां पर अधिकतर ओनरशिप उद्योगों की किसके पास होती है सरकारों के पास होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं निजी एवं उद्यम मैंने क्या बोला मिश्रित मिश्रित मतलब होगा मतलब सरकार भी मालिकाना हक रखती है और निजी व्यक्ति भी मालिकाना हक रखता है और ऐसे उद्योगों को हम मिश्रित उद्योग बोलते हैं ठीक है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है उदाहरण के लिए टाटा बिरला अंबानी ये लोग क्या है निजी व्यक्ति हैं ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में होते हैं पूंजीवादी देश उदाहरण के रूप में अगर हम अमेरिका देखें तो अमेरिका में आप पाएंगे कि अधिकतर उद्योग जो है वो प्राइवेट व्यक्तियों के पास है अब बड़ी-बड़ी कोई सी भी कंपनी ले लीजिए एप्पल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक ये जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं इनके जो मालिक हैं वो सरकार नहीं है मालिक कौन है प्राइवेट व्यक्ति है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और संयुक्त क्षेत्र के अगर हम उद्योग देखें तो उनका संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा होता है किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है मतलब मालिकाना हक मालिक कौन होता है या तो सरकार होती है मतलब सरकार भी होती है और कोई निजी व्यक्ति भी होता है और ऐसे उद्योगों को हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं तो उद्योग तीन प्रकार के ही होते हैं एक जहां मालिकाना हक हाँ सरकार का होता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग मालिकाना हक हाँ अगर निजी व्यक्ति का होता है तो निजी क्षेत्र के उद्योग और मालिकाना हक हाँ अगर दोनों का होता है तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या उद्यम तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्वामित्व के आधार पर यह वर्गीकरण बहुत अच्छे से क्लियर हो हुग गया होगा अब हम लोगों को इस चैप्टर से संबंधित लास्ट टॉपिक पढ़ना है टॉपिक का नाम है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना नाम क्या है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग मतलब जहां पर ऐसे उद्योग जहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है तकनीक का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसे उद्योगों को हम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत रखते हैं और याद रखना है ऐसे उद्योग में आर एंड डी जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हिंदी में बोला जाता है अनुसंधान एवं विकास ये कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है तो निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के द्वारा किया जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा शो शोध होता है मतलब रिसर्च होती है डेवलपमेंट का काम होता है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसायिक जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कॉलर श्रमिकों का होता है मतलब इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं खासकर आप आईटी प्रोफेशनल आईटी इंडस्ट्रीज जो होती है ना उनमें जो व्यक्ति काम करते हैं उनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर श्रमिक ठीक है क्या बोलते हैं सफेद कॉलर श्रमिक ये क्या होते हैं ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं अगर हम लोग देखें इन इंडस्ट्रीज में मतलब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना मतलब यहाँ पर रोबोट्स बन रहे हैं मान लीजिए जहाँ पर मोबाइल फोन बन रहे हैं या टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का, का काम जहां जा, पर ज्यादा हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, का काम ज्यादा हो रहा है वहाँ पर आप पाएंगे जो लोग काम कर रहे होंगे वो कुशल होंगे उच्च दक्ष और विशिष्ट योग्यता अर्जित लोग होंगे ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति नहीं होंगे यहाँ पर दिमाग का काम होगा शारीरिक श्रम का काम नहीं होगा इसलिए आप पाएंगे इन दक्ष लोगों की संख्या ऐसे लोगों से जो वास्तव में कुछ उत्पादन करते हैं या शारीरिक काम ज्यादा करते हैं उनसे ज्यादा होती है ऐसे लोगों की संख्या इसलिए लिखा गया है कि ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं मतलब जो शारीरिक काम करते हैं उन लोगों से संख्या जो दिमाग का काम करते हैं उन लोगों की ज्यादा होती है उम्मीद तो करता हूं हूँ स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो गई होगी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर आधारित डिजाइन जिसको सी ए डी बोला बोला जाता है कैड बोला जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोला जाता है निर्माण धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक एवं औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं कुल मिलाकर आज के समय में आईटी बेस्ड जितनी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है रोबोटिक्स का काम हो रहा है जहां पर जहां पर रॉकेट वगैरह का काम हो रहा है इसरो की अगर हम लोग बात करें या फिर जहां पर कंप्यूटर से संबंधित काम हो रहा है चिप बनाने का काम हो रहा है मोबाइल बनाने का काम हो रहा है ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आते हैं इस भूदृश्य में विशाल भवनों कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं आप पाएंगे कि ऐसे उद्योग जैसे नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि कारखाने होंगे मशीनों की आवाज आ रही होगी गंदा सा कोई कार्यालय होगा ऐसी जगह ये उद्योग कार्य नहीं करते इनके अगर आप ऑफिसेस जाएंगे जब भी आप आई टी ऑफिस जाएंगे आप पाएंगे एकदम एयर कंडीशन युक्त तो पूरा जो है ऑफिस बना हुआ है एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा ऑफिस बना हुआ है जहां पर जहां पर बड़े बड़े विशाल भवन हैं लेकिन बेसमेंट में भी ऑफिस लगा हुआ है भंडार क्षेत्रों की यहाँ पर जरूरत नहीं है स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत नहीं है एकदम नीट एंड क्लीन कार्यालय यहां पर होंगे लेबोरेटरीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है आज के समय में तो बड़ी बड़ी आईटी पार्क्स जो है वो बन रही हैं। एक बिल्कुल सेपरेट एरिया उन लोगों के लिए जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में संलग्न है रिजर्व कर दिया गया है ठीक है जैसे आप गुजरात की गिफ्ट सिटी देख लें आप आईटी पार्क देख लें आप गुड़गांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा नोएडा गुड़गांव बेंगलोर का आप लोगों ने नाम सुना होगा तो वहां पर अलग अलग एरिया रिजर्व कर दिया गया है किसके लिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए क्योंकि वहां पर स्किल्ड काम हो रहा है बिल्कुल टेक्नोलॉजी पर आधारित काम हो रहा है तकनीक पर आधारित काम हो रहा है और बहुत ज्यादा स्किल और विशिष्ट लोग काम कर रहे हैं और भारत इस दिशा में बहुत आगे भी बढ़ रहा है वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित होते हैं आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं उन्हें हम प्रौद्योगिक ध्रुव कहते हैं सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन सिटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण है भाई सीधी सी बात है ध्रुव का मतलब होता है जहां पर चीज़ें संकेद्रित है मान लीजिए कोई ऐसा एरिया संक... कोई ऐसा एरिया है जहां पर आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ टेक्निकल बेस्ड इंडस्ट्रीज बिल्कुल कंप्यूटर के आधार पर इंडस्ट्रीज जो भी होती हैं चिप बनाने का काम या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बिल्कुल संकेंद्रित स्तर पर एक पर्टिकुलर जगह में हो रहा है आप लोगों ने देखा होगा ना जैसे नोएडा गुड़गांव बेंगलोर या पुणे आप लोग देखेंगे आईटी इंडस्ट्रीज वहीं पर संकेंद्रित है तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिक ध्रुव क्या बोलते हैं प्रौद्योगिक ध्रुव ठीक है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पूरे विश्व में ये इंडस्ट्रीज किसी एक पर्टिकुलर जगह ही संरक्षित होती हैं पर्टिकुलर जगह ही स्थित होती हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को के समीप जो सिलिकॉन वैली है सिलिकॉन वैली का नाम आप सु, आपने सुना होगा हम भारत में भी बेंगलोर को आ, इंडियन अगर हम लोग देखें इंडियन परस्पेक्टिव से सिलिकॉन वैली बोलते हैं लेकिन ओरिजिनल सिलिकॉन वैली कहाँ पर है वो सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली स्थित है और सिएटल के समीप जो सिलिकॉन वन है ये प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे मतलब संकेंद्रित है और ये उद्योग उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है लूह इस्पात वस्त्र मोटर गाड़ी निर्माण पेट्रोल रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में जो कंस्ट्रक्शन वाले उद्योग है जहां पर निर्माण काम होता है ये प्रमुख स्थान रखते हैं जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग ये तो बिल्कुल फंडामेंटल इंडस्ट्री है कोई सी भी इंडस्ट्री देख लो लोहा इस्पात से संबंधित मशीनरी तो वहां पर लगेगी ही वस्त्र उद्योग गाड़ी निर्माण उद्योग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स ये विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योगों के अंतर्गत आते हैं याद रखिएगा वैसे इस उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत ये वाली लाइन नहीं रखनी चाहिए थी लेकिन फिर भी यहाँ पर शामिल कर दी गई है चैप्टर में तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई निर्माण उद्योग के उदाहरण क्या है तो ये उदाहरण आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा मजा आया है ना बहुत आसान चैप्टर था अगर आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की वीडियो बहुत अच्छी लगी है समझ में आई है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से सी बोर्ड के साथ डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ड्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ड्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सेंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिख देना है ई e नोट्स और ई e बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच